अजी आपको पता है आज हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे स्टार्स आने वाले हैं जिनकी फिल्म हमेशा हाउसफुल रहती है। वाह, हालांकि 2-3 सीटें खाली भी हो ना सिनेमा घर में, फिर भी बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा रहता है। गेस करो क्यों? क्यों? क्योंकि फिल्म का नाम ही हाउसफुल है। इट वाज अ बैड जोक। बड़ा शरारती है यार। पर द गाइस वो आर कमिंग, दे आर नॉट बैड, दे आर सुपर्ब। प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूं मिस्टर रितेश देशमुख एंड माय ब्रो अक्षय कुमार। वहां पे क्या देख रहे हैं? देखो वो सारा मेरा टेबल शेबल चेक करके गए हैं। अब देखो यहां से निकलेगा ठा करके। देखो यहां से, यहां से एक छोटा पेपर सी नहीं हो, आवी है कबाड़ है। अब देखो ना अखा मेरीयां तोड़े तो ऐन ऐन मिलियां रहे। ठीक है भाई, जिस्म आ गया है, कोई जां क्यों नहीं आई? खामोश हैं फिजाएं, कोई आंधी क्यों नहीं आई? रौनक बंद गई है आप लोगों के आने से, पर ये तो बताओ गुरु कोई मोहतरमा क्यों नहीं आई? मोहतरमा नहीं आई है लेकिन उसकी तस्वीर हम जरूर लेके आए हैं। क्या मतलब? आपको पता है बाजी कौन 3 हीरोइन है अपनी पिक्चर में? पूरा पता है। पता है आपको? नरगिस फाखड़ी। नरगिस तो है। नरगिस फाखड़ी। अच्छा नरगिस, फिर लीसा हेडन। लीसा हेडन और तुझे पता है पूरा? जैकलिन फर्नांडिस। तीनों ही। तुझे पता है पूरा? अरे आ गई तस्वीर। जी वो है नरगिस फखरी, जैकलिन फर्नांडिस। हाँ पहली वाली, और बीच वाली जो है जैकलिन फर्नांडिस, और ये लीजा हिडन। उसको कहो थ्रेडिंग तो करे, दाढ़ी इतनी है मुंह पे। अच्छा तो बिना मेकअप के ऐसी दिखती है। चलिए ये नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, जो है यही सवाल से रहे। एक बार अक्षय पाजी और रितेश के लिए जोरदार तालियां। पाजी वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी आपको हमारी सोसाइटी कैसी लगी? शांतिवन नॉन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नॉन कोऑपरेटिव। मैं आपको बताऊं कि मुझे ये सोसाइटी बहुत अच्छी लगी, और मैंने इस सोसाइटी के अंदर जो जो कार्यक्रम होते आए हैं मैंने सारे कार्यक्रम देखे। मुझे कोई भी पूछ लो, मुझे आप अपने डॉक्टर के बारे में पूछ लो, उनकी नर्सों के बारे में पूछ लो, चाय वाला जो अपनी अपनी बीवी को ढूंढता रहता है, अपनी माँ को ढूंढता रहता है, उसका बच्चा एक एक वो भी है ना जो टॉयलेट साफ करता, कौन है वो? नहीं नहीं साफ नहीं करता भाजी, टैंकी अनलोड करता है। इज अ यूनिक बिजनेस। इनवाइट सम गेस्ट, दे स्पेंड सम टाइम एंड दे पे हिम व्हाटएवर द चार्जेस आर। सो आपण बघितलं का काय हे इकडेच पहिलेच कि पहिल्यांदा बघते? पहिल्यांदा पाहतो। पहिल्यांदा बघते हो तर इनको इंट्रोड्यूस, वैसे मैंने सब कुछ बता दिया था, बाहर लोगों से मिलवा दिया था। तो आप मतलब अक्षय कुमार से भी ज्यादा बिजी हैं, आप हमारा शो नहीं देखते? मतलब आपके बता रहे, रितेश मेरा भाई है, इसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे ज्यादा फिल्में करने से। समझ में आज तक नहीं आई, जब देखो बातें करता है कि इतनी ज्यादा फिल्में क्यों करते हैं ये। नहीं, कहीं ना कहीं टोका टाकी जरूर रहती है। नहीं मैंने तो इस बार तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो ऐसे जस्ट। बट व्हाई आर यू फीलिंग जेलस? I don't feel jealous, Mr. Sidhu. Then what? I was just asking. I was just enjoying. देखो मिर्ची लगी, वैसे कहता है पाजी, आज कह रहा मिस्टर सिद्धू श्यामा बेटे। हाउसफुल 3 आ रही है, पहली हाउसफुल जो आपने देखी, पार्ट 1 पार्ट 2 ब्लॉकबस्टर रही है, और तीसरी से भी हमें ढेर सारी उम्मीदें। पाजी आप दर्शकों को कोई खास चेतावनी देना चाहते हैं कि इस फिल्म को देखने से पहले आप पेट दर्द की दवाई लेके जाएं? कॉमेडी जैसे एक्शन फिल्म में होता ना कि आप ये एक्शन घर में ना करें। नहीं कुछ नहीं इसके अंदर कुछ नहीं, आप बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने पूरे परिवार को लेके जा सकते हैं। ये ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आपको मनोरंजन, हास्य कथा सब चीजें मिलेंगी। मैं बल्कि यही कह रहा था कि जितना नाम मैंने एयरलिफ्ट और बाकी सब पिक्चरों में, हे बेबी ये सब पिक्चरों में, सॉरी हे बेबी नहीं, बेबी में, स्पेशल 26 में कमा, सब इसमें गवा दूंगा। जितनी बेइज्जती इसमें होने वाली है क्रिटिक की तरफ से सब हो जाएगी। उसमें अक्षय पाजी की देशभक्ति निकल के आई उन फिल्मों में, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा आप ऐसा बोल रहे थे, मैंने सारा नाम गवा लिया, क्यों पाजी? भाई ऐसा है कि हम एक बात बताता हूँ आपको कि कॉमेडियन की इधर ज्यादा कदर नहीं करी जाती, और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, ये सबसे मुश्किल है, बता रहा हूँ। बिल्कुल पाजी, रोना तो क्या, आंखों में चुभो दो, उंगली रो लेगा।
रितेश आप हाउसफुल का हिस्सा तो है ही, आप मस्ती सीरीज का भी प्रॉपर सारी फिल्में आपने करी हैं, क्या कूल है हम के भी दोनों पार्ट्स किए हैं, तो आप फिल्म बाय फिल्म चूज करते हो कि आप पहले प्रोड्यूसर को बोल देते हो कि कम से कम 3 सीक्वल बनाओगे तो मैं सस्ता करूंगा रेट? हाँ बिल्कुल, क्या ठीक लगा लूंगा अगर 3 बनाओगे तो। 5 साल का प्लान होता है, 5-year प्लान। ओके, मैं सोचता हूँ कि 3 प्रोड्यूसर जो 3 पिक्चर बनाएंगे, 5 साल का तो हो गया, फिर अगले 5 साल के बाद में सोच लेंगे। जैसे एक विलन किया, अब 2 विलन, 3 विलन, दोनों को और करने वाले हैं। एक विलन पाजी, वैसे कमाल की परफॉर्मेंस थी भाई आपकी, एक विलन। आपको वैसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है, या कॉमेडी करने में कि ये जो लड़कियों को जाके छुरे मार रहे थे उनके मां-बाप को, ये एक विलन में? नहीं, आई थिंक फिल्म्स लाइक एक विलन, क्यों हमारी फिल्में अच्छी नहीं होती कॉमेडी? ये ऐसे लोगों की वजह से ना कॉमेडियों की बेइज्जती होती है। तो आज के एक्टिंग के बात कर ली आपने, देखो तो मैंने एक ही पिक्चर की, हॉलिडे, गब्बर, बेबी, ये कौन कर रहा था? मैं कर रहा हूँ, मैं तो कलर करता हूँ, मैं तो वापस यहाँ आता हूँ। क्यों? मैंने तो अगली भी कह दी है। अच्छी नहीं लगी आपको? कौन सी? बेबी, हॉलिडे और वो भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने पूछा आपको सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी लगी? आपने दोनों में से अच्छी लगी। मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है। कॉमेडी जिंदाबाद। ये अब लौटा है वापस। पाजी आपको पता है हाउसफुल 3 में ना अक्षय पाजी, रितेश और अभिषेक भाई, ये तीनों झूठ बोल के शादी कराते हैं। पाजी रियल लाइफ में भी आपकी लव मैरिज हुई है, अक्षय पाजी की भी, आपकी भी जी। तो आपने कभी रियल लाइफ में भी झूठ बोला, जैसे आपने जेनेलिया के पेरेंट्स को बोला हो कि मैं बहुत ही एक पारिवारिक फिल्म कर रहा हूँ, ग्रैंड मस्ती, या ऐसा कुछ कभी कभी झूठ बोला आपने ऐसा कभी उनको? नहीं, मैंने कहा था कि मैं ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जिससे परिवार और आगे जाके बढ़ेंगे। क्या बात है, बड़ी खुशी है ना आपको भाई। आपने कभी ऐसा जो था शादी के लिए झूठ बोला कभी? मैंने झूठ, हाँ मैंने बहुत बार झूठ बोला। आई लव दिस टाइम। मैंने झूठ, हाँ बहुत बार। नहीं तो कौन अपनी बेटी ऐसे ही दे देता है? बिल्कुल सही गल है। इंसान को बताना पड़ता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। बताना पड़ता है कि मैं बहुत कमाऊ पुत्र हूँ। सब कुछ बताना पड़ता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। बोलो, झूठ बोलो। पर एक बात बताइए, हाउसफुल 1 और 2 में ऐसा क्या नहीं था जो इसमें है? नया क्या है इसमें? इस फिल्म के अंदर नया मैं अभी लेके आता हूँ, नया। चल बे, चलो चलो चलो, करो। अभिषेक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। एक मिनट, वैसे ही गले लगना जैसे पिछले एपिसोड में लगे। वेलकम ऐश, वेलकम। देखा हमने, तेरी कुटाई हुई बेटा आज, तेरी कुटाई हुई आज। श्वेता दीदी की बात कर रहा दीदी, हाँ करेक्ट। एक बार अभिषेक भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अभिषेक भाई आप साथ में क्यों नहीं आए, मुझे समझ में नहीं आया। हमारी एंट्री थोड़ी बाद में होती है, लेकिन हम जब एंट्री करते हैं फिर शो वहीं से शुरू होती है। अरे अभी अभिषेक भाई आए गए तो मेरे मन में बड़ी देर से सवाल था। एक्चुअली अक्षय पाजी, ये जब मैं पहली बार एक बार मिला था ना अभिषेक भाई से, तो उन्होंने एक बात कही थी। मैंने कहा आप पूरा परिवार बिजी रहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि हम लोग लेकिन खाना एक टाइम का साथ में जरूर खाते हैं। आप हाउसफुल में बिजी हैं, ऐश्वर्या सरबजीत में बिजी हैं, बच्चन साहब 3 का शूटिंग कर रहे हैं, जया जी पॉलिटिक्स में, एक्टिंग में बिजी हैं, आप कहाँ मतलब इंटरनेट पे ऐसे फेस चैट करते हुए खाना खाते हैं? साथ में कब खाते हैं आप? देखिए आजकल का जो माहौल है फिल्म इंडस्ट्री में वो सब दुबले पतले लोगों का है जी, तो वो तो खाना खाते नहीं है, तो हम भी वही ट्राई कर रहे हैं कि क्योंकि सब लोग सब बिखरे हुए हैं तो हम भी खाना नहीं खाते हैं। आप इन्हें देख लीजिए, ये कुछ 5-6 साल से खाना नहीं खाए। ना तो ये कॉफी पीते हैं, ना चाय पीते हैं, ना कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ना मिठाई खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, इसलिए ऐसे दिखते हैं। पाजी फिर एंजॉय कैसे होता है? देखो इन्होंने जो कहा आपने मान लिया, आपको लगता है ये शरीर आपको लगता है ऐसे ही चल रहा है बिना खाना खाए? हाँ जी, मैं पंजाबी है ही हूँ। पाजी जब भी कभी कभी न्यूज में देखने को मिलता ना कि फिल्म में ज्यादा हीरोइन हो, एक से ज्यादा हो, तो छोटी छोटी चीजों को लेके ना उनकी वो हो जाती है, कहाँ सुनी हो जाती है कि मेकअप को लेके, कपड़ों को लेके, आप तीनों में कभी नहीं होती? मतलब लड़कों में क्यों नहीं होती, कि होती है बाहर नहीं आने देते हैं, कि क्या सीन है? अगर आप अक्षय के साथ काम करें जी तो पार्टी क्या होगी मैं आपको बता दूं जी।
पैकअप होते ही मोस्ट एक्साइटेड पर्सन अक्षय कुमार, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते हैं जी, सुबह 7 बजे आएंगे तुरंत, जैसे ही ये स्टेप इन किए सेट पे मीटर नहीं नहीं मीटर डाउन, टाइम स्टार्ट्स नाउ, या हाँ 8 घंटे माने बीच शॉट में कपड़े उतरे सब मेकअप निकाल के ये आ जाएंगे, एंड हिज पार्टी इज लेट्स साइकिल बैक टू द होटल, लेट्स वॉक बैक टू द होटल, 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर, लेट्स वॉक, इट्स सुबह से अकी भैया 50 किलोमीटर, ओके आई विल रन नो प्रॉब्लम, ये Nothing makes him happier. Then you reach there. थकाने वाली पार्टी है। मानी ये पहुंच जाते एकदम तंदुरुस्त, हम दोनों पता नहीं बीच में टैक्सी मार के सब ऐसे पहुंचते थे। He'll be there, ready. चलो स्विमिंग, स्विमिंग, हाँ, 50 laps, 50 laps. 10 की बात तो ये ड्राउन हो जाते थे। फिर मैं उन्हें बचाने जाता था, मैं ड्राउन हो जाता था। फिर इनके जो ट्रेनर है, हम दोनों को बाहर निकालती थी। उसके बाद खाना खाते हैं यार, हम दोनों भूख से मरे, हाँ यार कुछ बटर चिकन या कुछ मिल जाए हम लोगों को, खुश हो जाएंगे हम लोग। बॉइल्ड कैरेट, स्पिनिच, नो राइस, नो रोटी, हाँ रेडी, हाँ सर ठीक है। सुबह 7 बजे पैदल जाएंगे वापस सेट पे, ये इनका पार्टी है, ये इनकी पार्टी, तो ये पार्टी है, तो 9 बजे रात तक इनका ये हो जाए, फिर उसके बाद हम उस लायक नहीं रहे कि कहीं पार्टी करने जाएं। मुश्किल से तो कमरे में पहुंचते थे और 9 बजे आउट। अच्छा अब इनसे पूछना दोनों से कि ये अगली फिल्म दोनों करेंगे मेरे साथ। मैंने तो पहले ही बोला है कि मैं 3 पिक्चरों के हिसाब से साइन करता हूँ। अभिषेक भाई ये ट्रेनर यही तो नहीं जो यहाँ पे बैठी हुई? जेनी एक ओलंपिक जिमनिस्ट है बाय द वे। अच्छा हाँ जी, जेनी कम ऑन स्टेज, बहुत ही कम कम जेनी, कम ऑन जेनी, कम ऑन जेनी, स्टैंड नेक्स्ट टू कपिल भैया, बिकॉज ही डजंट हैव अ शॉर्ट मैन कॉम्प्लेक्स एट ऑल। You are so long. Yes, very long. Nobody is stopping you. Jenny, which country? I mean, you landing. I'm from London. 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 I love London. Yeah. Jenny, tell me one thing. If I do 4 kilo, listen. You are like my sister. Okay. Don't tell anybody that I was trying so hard to speak in English. If I want to reduce 4 kgs. 4 kgs. 4 kilos, yeah. 4 kilo. Oh, you know, London also kilo. Not pound. Not pound nahi chalta tha. Nahi. Okay. Kilo. So if we want to reduce 4 kilo from our stomachs. Yeah, kitchen area only. What should we do? Train. Training. What kind of training? It means if somebody don't want to run, don't want to swim after pack up, mm-hmm. and don't want to eat boiled carrots, potatoes. Correct. Eat potatoes. Sweet potatoes. Potatoes. So what should we do? Give up and go home. Yeah. What? Give up and go home. माने घर चले जाइए आप. छोड़ दीजिए. If you don't want to train and you don't want to eat right, should I suicide? No. Okay. Just do abs. So is it okay, abs? If you have a problem with your paunch, work on your paunch. Paunch kyun kya hota hai? Mane aapki paunch bahut dur ki hai. Paunch kya bolte hai? Paunch. 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 This. Ton ton. After the struggle of so many years, I have learned the word stomach, and now you launching another word. Paunch. 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 Thank you so much for making my big bro so fit and You have lost a lot of weight. You're looking very but good. Jenny, since you're here, Akhi bhaiya, agar aap permission de to. Since you're here, I think you should give him 1 or 2 tips on stretching. Why? Because stretching is very important. Stretching, stretching. Ye workout nahi karwayegi. Stretching is great. You are stretching. Come on. Ye dekhiye stretch. Let's go. Right? ये एक स्ट्रेच
stretch. Jenny to stretch. Huh. This stretch. Jenny, now show some stretches. Ear stretch, that one. No. Show some stretches. Show some stretches. Jenny will show you what stretches you should be doing. Yeah, इधर देखिए. Yeah, ऐसे देखिए ऐसे. Come. Let's. Can you please repeat? हाथ पकड़ लो, कुछ नहीं होने वाला है. ये भाई बहन का प्यार है. हाथ फाड़ के खड़ा रहे. चलो चलो रबड़ की बनी हुई है. एक मिनट दो मिनट आ जाओ जी. नहीं एक सेकंड. नहीं अरे आओ हो जाए. ओके डू स्ट्रेच. कोशिश. ओके बाय बाय जी. दो मिनट. नहीं आ जाओ. पर नहीं पर नहीं पाजी, मेरी पैंट फट जाएगी. क्या कर रहे पाजी, इनको नेल कटर की जरूरत ही नहीं है, तो हाथ से ऐसे पैर से काट ऐसे तुम आगे अपने नेल कटर. वाओ थैंक यू जेनी, एंड भगवान तुम्हें अच्छा पति दे. जीती रहो, खुश रहो. थैंक यू. आप अगर फिल्म साइन करते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? प्रोड्यूसर का बैंक बैलेंस. हम लोग बहुत पिटने वाले हैं शाम को. ये हमें वापस घर पैदल ले जाएगा. हम लोग नहीं. रितेश ने तो पहले बचाव कर लिया अपना, पोनीटेल करके बेबी बना हुआ है. मुझे कुछ नहीं कहेंगे. पाजी वैसे सीरियसली आप क्या देखते हो? पहले मुझे बड़ा शौक था कि मैं बाहर ही शूटिंग करूं, क्योंकि फॉरेन कभी देखा नहीं था. तो फिर मैं अपने प्रोड्यूसर या राइटर से जब भी कहानी सुनता था तो कोई भी कहानी के वक्त ऐसे बोलता था, जी कहानी शुरू होती है आप मैसूर में, चल बे बाहर चल. क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता था कोई बात बोले कि आप पूना से हैं. नहीं लेकिन इंटरवल में आप लंदन पहुंचेंगे, ठीक है तब आना जब लंदन. कोई ऐसी फिल्म लेके आज जो मैं बाहर ही हूँ. एक बड़ी ताज्जुब की बात है, आप तीनों शादीशुदा हैं, आप तीनों की जो धर्म पत्नियां हैं वो बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं, उसके बावजूद किसी ने भी अपनी वाइफ को इस फिल्म में नहीं लिया, ऐसे क्यों? घर में भी दाल मखनी खाए, फिर बाहर भी दाल मखनी खाए. अच्छा मैंने तो बहुत कोशिश किया था कि ऐश्वर्या ये पिक्चर करे. तुम क्या बात कर रहे हो? टीना को बोलते हैं क्या? अभी घर से निकलने के लिए हाउसफुल कर रहे हैं, वापस घर में घुसने के लिए. नहीं तुम दोनों बहुत कमीने लोग हो यार. ऐसे मैंने बहुत कोशिश किया था, मैंने कहा देखिए हम सब तीनों शादीशुदा हैं, क्यों ना अपनी बीवियों को भी ले आए इस पिक्चर में. मैंने सर मैंने बहुत कोशिश किया था. और दोनों के बारे में और इंडस्ट्री में तेरी बात मान नहीं रहे हैं लोग. नहीं नहीं तो जो फेरे होते हैं वो आपने सीधे सीधे लिए थे कि एक दो फेरे लेके बाद में? तूने जो फिल्म की थी जी उसके अंदर तेरी तीन बीवियां हैं जी, तो इससे जरखाने चले जाता. तुझे इतनी छिलाने मारने की क्या जरूरत थी? अक्षय पाजी का कोई भी काम सीधा नहीं होता. मैं इन ए वेरी गुड वे, मतलब आप, मैंने इनकी एड देखी, कोल्ड ड्रिंक की एड, इनको प्यास लगी होती है सीधा बिल्डिंगों से कूद फांद के ये वो जाके, उसके बाद जाके कोल्ड ड्रिंक पीते, ठीक जाके दुकान वाले से सीधे सीधे ले लो आप. तो आप हमेशा एनर्जेटिक है ना, फिट है. ये शूट भी इन्हीं को करती हैं. तो पाजी जब आपकी शादी हुई थी ये आपने फेरे सीधे सीधे लिए थे कि दो फेरे लेके बाद में गुलाटियां मारनी शुरू कर दी? ओके okay. मुझे अभी भी याद है, मैं आपको बताऊं, जब वो पंडित पढ़ रहा था ना, तो मंतर जी मंतर पढ़ रहे थे, तो मुझे अभी याद है मैंने पंडित को बोले थे,
थोड़े पैसे दिए थे भाई, जल्दी पढ़ लियो, जिम जाना है। पाजी मैं आपके आने से पहले पूछ चुका हूँ, तीनों हिरन में से कोई भी एक क्यों नहीं लेके आए? आर यू इनसिक्योर कि हम तो मैरिड है, कहीं ये लड़का ना ले उड़े, लाइक दैट? हाँ यार, वी आर वेरी इनसिक्योर आफ्टर सीइंग ऑल द एपिसोड्स। हर हीरोइन आते ये इंसान ऐसा घटिया आदमी है, हर हीरोइन को यही बोलता, आई एम बिग फैन ऑफ यू, आई ओनली वॉच योर फिल्म। आप लोगों कोई भी एपिसोड देखो, कोई भी हीरोइन आ जाए ये छोड़ेगा नहीं उसे। हम खुश हैं, हम तीनों आए हैं, अब हमें बोल तू किसका फैन है। तू जब हीरोइनें आती है तो उनके फैन बन जाता तू। मैं अकेला नहीं जो हीरोइनों को ये बात बोलता हूँ, यहाँ बंदे दो हैं। कौन? कोई नहीं बोलता, दो हैं। मैंने आप क्यों ले गए? मैंने आपका नाम लिया, कमाल कर रहा है, बिल मेरे ऊपर फाड़ रहा है, कमाल। मैंने नाम ही नहीं लिया बाजी, जब पिटने वाला तो मेरा नाम ले रहा है। मैंने नाम लिया बाजी, दो गई यार। और नाम भी लिया और कहा आपको दो आदमी का है, आपको दो आदमी का है। पाजी हमारे शो में तो आदमी आदमी है, यहाँ तक कि औरतें भी आदमी है। आप पाजी बात ये है कि आज हाउसफुल की तीनों हिरन में से कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे ही एक विशेष बहस के ऊपर वार्तालाप करने का दिल कर रहा है। अगर हीरोइनें नहीं होती तो लोग फिल्में देखने जाते? अंकल अंकल कुछ कहना चाहते हैं। जी जी हाँ, पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। नहीं जाते जी, नहीं जाते जी अंकल जी, इनसे पूछो क्यों नहीं जाते। फिल्म में अगर हीरोइन नहीं होगी तो ग्लैमर नहीं होगा। ये देखिए, ये ऑनेस्ट, बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है। और ये भी अपनी मिसेस को नहीं लाए हैं। नहीं लाए हैं, लाए हैं। सर जी नमस्कार, कहाँ से आए आप? दिल्ली से जी। तो सर आज तो इधर ग्लैमर नहीं, तो कैसा लग रहा है आपको? तो अधूरा लग रहा है ना। नहीं पर आप अपना ग्लैमर तो लेके आए ना टिफिन में। वो तो पिछले 37 साल से है साथ में। तो मतलब अभी आपको उनमें ग्लैमर नजर नहीं आता? नहीं आता है, तभी तो 37 साल से साथ रखा हुआ है। लेकिन अगर चेंज हो तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, 37 साल से इन्होंने आपको रखा है, आपने उन्हें नहीं रखा है। तो ये याद रखिएगा, खरबूजा छुरी पे गिरे, छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो छुरी। क्या बात है सर, जब आपकी लाइफ में महिला आती हैं, आपकी अर्धांगिनी आती हैं, तो एक आदमी की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? आदमी टेढ़ा आदमी भी सीधा हो जाता है। और क्या होता है मतलब टेढ़ा? तो आप पहले टेढ़े थे? एक जनरल बात है, मेरी अपनी नहीं है। सर 37 साल बाद भी ऐसे लफ्ज आपके मुंह से निकल रहे ना, मैं इमेजिन कर सकता हूँ 37 साल पहले आप कितने टेढ़े होंगे। जलेबी जलेबी जैसा नहीं था। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। कपिल, जैसे हमने उनके बारे में तो सुना जो 37 साल से साथ में है जी, और भी लोगों से पूछते हैं। पाजी वो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू जोड़ी बैठी हुई पीछे। आप लोगों की नई नई शादी हुई है? कितने साल पहले हुई शादी? 5 महीने पहले। 5 महीने मतलब नई नई, एकदम नई नई? हाँ जी। तो इनसे पूछे ना सर, जैसे सर बता रहे थे कि आदमी सीधा हो जाता है, टेढ़ा आदमी भी, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है 5 महीने में? हाँ जी। मैंने 4 लाइनों का सवाल पूछा, मुझे सीधे से ज्यादा तो उदास लग रहे हैं। ऐसा क्यों मतलब आप मैडम ये शुरू से ऐसे हैं, आपके पतिदेव थोड़े कम ही बोलते हैं? नहीं नहीं, अब भी शादी के बाद कम बोलना शुरू किया, पहले तो बहुत बोलते थे। तो सर जी आप शादी के बाद घूमने कहाँ गए थे फिर? अभी तो फिलहाल बॉम्बे में ही आया हूँ, अभी गया नहीं हूँ घूमने। 5 महीने से सिर्फ बॉम्बे ही आए हैं? हाँ जी। तो आप अपनी वजह से दुखी, किसी और की वजह से नहीं दुखी आप? मुझे अंकल आप बहुत इंटरेस्टिंग लगे, आप प्लीज, आपके लिए भी एक गिफ्ट है हमारे तरफ से। जी आइए, इनाम लेने अकेले आए, आगे को छोड़ दिया। बड़ा ही खूबसूरत मोबाइल आपको दिया जा रहा है। आप और भी कुछ पूछो ना इनसे। नहीं तो आपको ये मोबाइल दिया जा रहा है ताकि आप
कहीं और भी कुछ किसको करेंगे? हाँ जी, अब कौन करेगा, कौन सुनेगा फोन? थैंक यू वेरी मच. वेलकम सर, आपसे मिलके बहुत मजा आया सर. बहुत अच्छे हैं आप, बहुत प्यारे हैं आप. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. पकल ये मोमेंट आप याद रखिएगा, ये घड़ी आप याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे आप आए और आपको मोबाइल गिफ्ट किया. ये समय हुआ है अभी मेरी घड़ी पे कितना टाइम है, पौने कितना टाइम हुआ है अभी आपके, कितना हुआ आपके, कितना हुआ सवा दो आपके, कितना हुआ क्या हुआ? हाँ जी, क्यों आप पहनते नहीं हो तो क्या हुआ? क्या हुआ सर? घड़ी का घड़ी निकाल ली किसी ने. अच्छा, बीवियाँ बीवियाँ ही होती हैं, उनको ये नहीं खुशी कि मोबाइल मिला गिफ्ट के. है आपकी घड़ी कहाँ गई? किसके पास है घड़ी पाई? सीरियसली किसी के पास है? पाजी ये उतारी किसने दी? आपने उतारी थी ना? ये देखो इस इंसान को, गौर से देखो इस इंसान को, ध्यान से देखिए. बच्चन परिवार का इकलौता वारिस कैसे लोगों की घड़ियां उतार लेता. मजाक करते सर आपसे. वो सब तो ठीक है, ये घड़ी किसकी है? पाजी आप, मैंने एक दो बार पहले भी देखा, हाथ की सफाई बड़ी है. आप पहले क्या करते थे फिल्मों में आने से पहले? पहले मैं ट्रेनों में काम करता था. नहीं सीरियसली? सीरियसली यही काम? ये काम नहीं, ट्रेनों में काम करता था. ट्रेन के भी इंजन के आगे आगे दौड़ते होंगे लालटेन लेके? नहीं, वो लालटेन लेके आगे क्यों दौड़ूंगा, ऐसा ऐसा काम कौन करता है? तूने कहाँ देखा है? मैंने कभी कभी ऐसा कोई कोई बातें तू बोल जाता है लेकिन तेरे को पता भी होता है कि तू क्या बोल रहा है. कोई कौन सा ऐसा इंसान है जो ट्रेनों के आगे लालटेन लेके दौड़ रहा है? मैंने कहा आदमी खड़ा रहता है लालटेन दिखाते हुए, हमें ट्रेन जा रही है, आगे क्यों दौड़ेगा? आपका स्टाइल अलग है ना. मैं दौड़ूंगा. मैंने कहा भारत के अगर मैं कसरत करता हूँ तो इसका मतलब मैं आगे दौड़ रहा हूँ. तो अभिषेक से, रितेश से, अक्षय पाजी से हम और भी बातें करेंगे. पाजी आप प्लीज विराजमान हो जाइए यहाँ पे. रख दो सब सामान और रख दो ढंग से. ओए खजूर, इतना सारा सामान कहाँ से लेके आया? पैसे कौन देगा बे? अरे पता है, जब से लोगों को पता चला है कि मेरा पापा अभिषेक बच्चन है. तो तू मेरे सारे काम फ्री में ही हो रहे हैं? पहली बार यहाँ आ रहा हूँ यार. अभी अभी वो दाल मखनी वाली बात. नहीं, अभिषेक बोल रहे हैं कि दिन में पहली बार आ रहे हैं आप. अच्छा हाँ, दिन में पहली बार आ रहे हैं. दिन में पहली. My God, पापा पागे. पहली पहना कौन करेगा पापा के? नहीं 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 नहीं. तो ताऊ जी आप भी आ गए. अरे अरे अरे. चाचू व्हाट्सएप. अरे अरे मिलो. अरे मुरु व्हाट्सएप. ए डोंट नो द किड मैन. अरे पापा आपको ऐश्वर्या मम्मी ने बताया नहीं? अरे उन्होंने खुद मुझे अपना बेटा माना है. एक मिनट जरा दिखाइए. खजूर बेटा यहाँ आ जाओ. हेलो, मैं तो कपिल शर्मा शो से खजूर बोल रहा हूँ. क्या मैं अपने दादा अमिताभ बच्चन जी से बात कर सकता हूँ? ओए खजूर चल बेटा, बहुत हो गया, परेशान मत कर गेस्ट को भी. जा भाई साहब, आप कौन है?
अबे तू मुझे भूल गया? भूल गया? मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। बड़े घर के बच्चे देखे नहीं कि रिश्ते जोड़ना शुरू कर दिए? मैं रिश्ते जोड़ रहा हूँ? अबे भूल गया? रोज मुझे कप्पू भैया मेरे पीछे घूमता था तू? हाँ, तो मुझे पता नहीं था ना कि मेरे पापा अभिषेक बच्चन है। अबे कोट पहन के तू उनका बेटा कैसे हो गया? ये मांग के लाया कि चुरा के लाया किसी के? गिफ्ट है। टेलर को जैसे ही मेरी रॉयल्टी के बारे में पता चला, वो खुद मुझे फ्री में दे गया। अच्छा, लेकिन एक मिनट, ये किसी भी एंगल से अभिषेक का बेटा तो लगता नहीं। अरे वो तो धूप में रहने के कारण मेरी शैडो थोड़ी चेंज हो गई है। नहीं तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, मेरे पापा अभिषेक हैं। बेटा, ऐसे पापा हाथ पे लिखने से नहीं, नसीब में निकले से मिलते हैं। देखो भाई साहब, ये फैमिली मैटर है, आप बीच में मत बोलो, आप कॉमेडी करो, जाओ। तू ऐसे नहीं मानेगा, इसके बाप को बुलाता है। ये भाई, ये चंदू का बेटा है। ओए चंदू, आ गया जी। इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, क्या बात है। कैसे बाजी? क्या हाल है बाजी? क्या हाल है जी? अच्छा, मुझे पता था भी आपसे ये लोग हैंडल नहीं होंगे, आखिर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, है ना? ओए थर्मस जैसे मुंह वाले, मैंने तेरे थप्पड़ मारना मुंह पे। ये क्या कर रहा है तेरा बेटा इधर आके? भाई यहाँ पे आके बोल रहा है अभिषेक मेरे पापा है। बता उनको सबको तेरा बेटा है। मैं गरीब आदमी, मेरी चाय में उबाल नहीं आता, बेटा कहाँ से आएगा? तू अपने बच्चे को बच्चा नहीं मान रहा? इसको मानकर मुझे मिलेगा क्या? लोगों को जब से पता चला ना अभिषेक बच्चन, इसके पापा घर में LCD, फ्रिज, AC सब कुछ आ गया। और वैसे भी पाजी, बच्चे जो भगवान की देन होते हैं, आज नहीं तो अगले साल भगवान दे ही देगा। LCD तो खरीदनी पड़ती है कि नहीं? चलो ठीक है सर, आप में से किसने इसको अपना बेटा बनाना है वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन इसकी परवरिश के लिए जो 3 लाख रुपए खर्चा हुआ है वो आप मुझे दे दीजिए। बकवास कर रहा है, चाय पिला बड़ा कर दिया बच्चे को। नहीं, आप सिर्फ खर्चा चाहिए कि खर्चे के साथ खर्चा पानी भी देना है? नहीं, नहीं, वो अपना वो फॉर्मूला है ना यूज करते हैं कि बाप को मारो तो बेटा सच उगलता है, वो ट्राई करिए मेरा। हाँ, अरे हाँ, वही फॉर्मूला सही है, वही ट्राई करना चाहिए। मेरी बात फॉर्मूला है, अरे आप बेल लो, सच्चाई। मेरी बात सही है, मेरी बात सुनिए सर, आजकल वो फिल्में बंद हो चुकी हैं सर। अंकल, चाय वालों को मत मारो ना, अब मेरा बाप नहीं तो किसी का बाप तो होगा ही ना। मुकरिया, मैं तेरा ही बाप हूँ, बोल इनको, और घर चल, तेरी हड्डी तोड़ता हूँ मैं। अरे पहले अपनी बचाओ, फिर बाद में मैं तो भाग रहा हूँ। इधर आ जा। अच्छा अभिषेक भाई, आराध्या अभी स्कूल जाने लगी कि नहीं? जी। तो घर पे बच्चों को होमवर्क कौन कराता? आपके ऐश्वर्या करवाती है? वो तो बहुत छोटी है, अभी 4 साल की है, तो अभी तक होमवर्क शुरू नहीं हुआ उसका। तो कल को आराध्या जब बड़ी होगी तो आप उनको पढ़ाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। कौन से सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप उनको पढ़ा सकते हैं? हिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ड्रामा, सारे सब्जेक्ट्स। जी। सबसे पहले हिस्ट्री कहा आपने? जी। अलाउद्दीन खिलजी कब आया था भारत में? 1255 में शायद आए थे। 55। आप एक ही बोलते ना तो मैं वो भी मान जाता, मेरे को कौन सा पता है। 20 साल में कई बार आता जाता रहा। अच्छा रितेश, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका बेटा बड़ा होकर स्कूल जाता है, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं उनको? उसका स्कूल क्या? उसका तो खुद का स्कूल कॉलेज है। अपने स्कूल कॉलेज है? तो मतलब इसका घर स्कूल कॉलेज के ऊपर ही है? तो फिर नीचे, तो नीचे घर है, नीचे स्कूल कॉलेज है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं, कल को रितेश के बेटे के 100 में से 110 नंबर भी अगर आए, उसके क्या, मेरे खुद के आए थे। पाजी, आपको तो टाइम नहीं लगता होगा बच्चों को पढ़ाने में, कि नहीं? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
अच्छा तो आप वैसे ही मतलब मैं तू और मैं वही वही कॉलेज के हैं मुझे शर्मा जी गजब हो गया शर्मा जी गजब तो उसी दिन हो गया जिस दिन तू पैदा हुई थी आपको पता भाई ये पैदा हुई थी ना अपनी माँ से बड़ी थी ये रिपोर्टर इंटरव्यू लेने आया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ रिपोर्टर ने कहा कि आपके बच्चा हुआ कैसा फील हो रहा है कहती मैं ही बच्चा हूँ माँ तो इधर है अरे तू एक महिला की खिल्ली उड़ाई गई उस महिला को बड़ा क्रोध आया उसने सवाल पूछने वाले का सर फोड़ दिया कल सुबह प्रातःकाल ऐसा न्यूज में आप सुनना चाहेंगे मनोकामना है आपकी क्या बोल रही मेरे को समझ में नहीं आया कुछ हिंदी आपको समझ में नहीं आती इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती आप पृथ्वी लोक पे आए क्यों सेलिब्रिटीज का वक्त जाया करने हिंदुस्तानी तुझे देखते नहीं अंग्रेज तुझे देखते नहीं चाहते दुनिया में इग्नोर होने आई है हुआ क्या चला क्यों रही तू इतना वो तो अक्षय कुमार ओह माय गॉड ये तो सपना नहीं है ना मेरे हाथ छूटी काटो क्या छूटी काटो नहीं नहीं हाँ? पिंच मी पिंच हाँ इसी दिन का वेट कर रहा था कब कहो तुम इसको मैंने छूटी काटी कहीं मैं सपना नहीं देख रहा कोई मुझे काटे ऐसे नॉन वेजिटेरियन चुट्टी काटता है कोई तीन सच में हाउसफुल थ्री की पूरी की टीम यहाँ पर आई हुई है मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है इधर कोई आप में से कोई मुझे चुट्टी काटे तुझे कुत्ते से कटवाऊंगा मैं चुट्टी काटू तुझे मेरी इंट्रोडक्शन कर दो ना प्लीज हाँ पाजी ये इनसे मिलिए शी इज माय डार्लिंग ए सिस्टर कितनी बार बोलना है सिस्टर कॉल मी सिस्टर हिंदी पूरी नहीं बोलनी डायलॉग पूरे नहीं आने सिस्टर बुलाने के लिए रखा है इधर पाजी ये 50-50 हॉस्पिटल है ना उसकी नर्स है अच्छा और अगर किसी को हाँ किडनी में पथरी हो तो उसकी छाती में बैठ के पथरी तोड़ देती है मैं कभी कभी कुछ लोगों का मुंह भी तोड़ देती हूँ और आज मेरा दिल कर रहा है अच्छा ये आपको ये मिले हुए हैं आप थ्रेडिंग नहीं करवाते नहीं पहले बीच में गैप था पहले फिर उन्होंने पूरा फिल कर दिया बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं शाम को अच्छा आप हमेशा लड़की बनती नहीं मैं तो दूसरी बार बनी हूँ आप हाउसफुल तीसरी बार बना रहे मैंने कुछ कहा छोड़ो कल की बात है कल की बात पुरानी मैं यहाँ से निकलती हूँ थोड़ी देर में आने वाली है नानी ओके हेलो हाय अच्छा इतने अच्छे लड़के को तो हमने लड़की बना रखा है अरे नहीं मैं सच में लड़की हूँ अरे ये बिल्कुल सही कह रही है ये ही तो है ओरिजिनल यो एक ही ओरिजिनल है ये हाँ ये हाँ सुनो मैं ये कहना आई थी कि आपका वो नानी का सर्जरी ना बीच में रुक गई आपकी नानी की सर्जरी हाँ डॉक्टर साहब भी चले गए फिल्म देखने के लिए ओह माय गॉड क्या कब की बात है ये ये डॉक्टर साहब क्या चल गई आप आपको पता है अगर आपकी नानी की सर्जरी है और डॉक्टर नहीं है आपको पता है वी थ्री हम तीन भी अपनी अपनी फिल्मों में डॉक्टर का किरदार कर चुके हैं हम डॉक्टरों के बारे में हमें बहुत नॉलेज है अगर चाहिए तो आपकी नानी का ऑपरेशन हम कर सकते हैं आप इस साइड आइए डॉक्टर नहीं है आप लोग कर लो ना ऑपरेशन ए कप्पू 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 मैंने सुना है चंकी आया है हाँ जी मैं चंकी हूँ चंकी दिल तोता बन जाए टुटु टुटु करे आए बड़ा अच्छा गाना था तेरा आओ बोमन जी से मिलाऊं आपको बोमन मैं बुड्ढों में नहीं खेलती क्यों चंकी कौन सा जवान है आपको पता है आपको आज एक खुशखबरी दी जाएगी क्या कि आपका आज ऑपरेशन होने वाला है हम तीनों मिलके करेंगे आपका ऑपरेशन क्या चंकी अभिषेक जी और रितेश जी नहीं नहीं आप लोग रहने तो आप लोगों से ही सब नहीं होगा आप फिक्र मत करो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका ऑपरेशन बहुत कामयाब रहेगा
स्ट्रेचर मंगाऊं भाई? स्ट्रेचर मंगा दीजिए। स्ट्रेचर लेके आइए जरा। स्ट्रेचर प्लीज। बिल्कुल फिक्र मत कर, ठीक है? ठीक है। हमारे साथ अभिषेक बच्चन साहब हैं। नानी बैठिए। सबसे पहले बेहोश करते हैं, बेहोश। एनेस्थीसिया दीजिए इनको। एनेस्थीसिया नहीं है। तो आप लोग कैसे करते हो बेहोश? ऐसे। ऐसे। देखो। अरे नानी। ग्लव्स ग्लव्स तो दो। हाँ हाँ ग्लव्स 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 ग्लव्स। ये? क्रिकेट वाले ग्लव्स? ये? सिद्धू जी लास्ट टाइम आपने किया था ऑपरेशन? नहीं नहीं नहीं। ये आईपीएल में इसीलिए जाती है, वहां ग्लव चोरी करके आती है। ये पहला ऑपरेशन थिएटर जहां बातें हो रही हैं। चुपचाप रहो, साइलेंस। ओके। चाकू से कौन काटता है यार? तो कैसे? हाँ ये डॉक्टर बच्चन। अरे इस आपको भी काट। आजा। आरी आरी आरी। बस 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 बस, ज़्यादा मज़ा मत लो। अब ऑपरेशन शुरू करें। ऑपरेशन शुरू करें। नानी ये इनका लीवर है, लीवर है, लीवर। नानी लीवर निकाल। लीवर है, लीवर, लीवर। नानी का लीवर मिल गया। और कुछ है? जवाब? अरे नानी के पेट से चिट्ठी निकली। डियर लॉटरी, गॉड इज वेरी काइंड। मैं तुम्हें आईपीएल से यहां ले आया, वहां वकार की वक वक और यहां कपिल की कप कप सुनकर मैं पक गया था। अब हम वहां भी साथ हैं, यहां भी साथ है, 24/7 तुम्हारा ठोको ताली। नानी के पेट में कई सारे राज हैं। ये क्या है? अखरोट। ये नाना नाना ऐसा मत बोल ना ना। ये जो दो चीजें मिली हैं, ये अब नानी को हम खिलाएंगे और ये इनकी आंखें निकल आएंगी। जगह तो दो पहले। नहीं हाँ, हाँ, जग... एक आंख आई अभी। पानी उठो नानी, उठो नानी, ध्यान से नानी, दिखाई दे रहा है? ये कौन है? अभिषेक, रितेश। ये बताओ ये कौन है? मेरा कप्पू। अच्छा अब बताओ वो कौन है? मेरे को क्या मालूम। होगा कोई भी, मुझे क्या पता, मेरी रोशनी आई है। हाँ भविष्यवाणी नहीं करती मैं। अब आप बिल्कुल तैयार हैं, उठिए। कितना अच्छा लग रहा है। जोरदार तालियां नानी की आंखों के लिए। आज के बाद आपको हर एपिसोड में नानी की आंखें नजर आएंगी। तुम लोगों की वजह से मेरी रोशनी आ गई। अच्छा भाई ना, जब थोड़ा दिखना कम हो गया था ना, तो खा खा के मोटी भी हो गई, थोड़ा पतली कर दो थोड़ा। देखो आप एक हाथ बांध लो। चलो मैं कप्पू। क्या है? मैं जाती हूँ, जरा जाके तेरे नाना को तो देखूं वो कैसे दिखते। इतने दिनों से अंधाधुनी प्यार चल रहा था मेरा। मैं भी आई। अरे अभी दिख रहे हैं नानी। बाय बाय। हेलो जी, फिल्म स्टार्स आए हुए हैं जी।
हाँ मैं शूट करके भेज देता हूँ, आप एक कैमरा क्रू भेज दीजिए। ओके थैंक यू। भाजी मैं ना आजकल मेरी नई नई जॉब लगी है सीडी केबल में, तो एक डॉक्यूमेंट्री बना के भेज दे, थोड़ा खर्चा पानी चलता रहता है। अब प्रॉप अब मांगा कैमरा मैन आप भेज फटाफट भेजिए। सिटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पे मुंबई से बहुत सारे फिल्मी सितारे जुड़े हैं, मैं आम आदमी को बुला लेता हूँ, थोड़ी डिबेट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब क्या डॉक्टर साहब तबीयत खराब है भाई? नहीं तबीयत किसी, आप तबीयत खराब है तो आपको बुलाएंगे मनहूस, डिबेट करनी डिबेट। आइए हाँ जी आइए आइए बम्पर 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 एक मिनट भाई टीवी पे आना है, थोड़ा मेकअप तो कर लें एक मिनट। हाँ तुम तेरे मुंह पे बहुत ज्यादा लगा हुआ है। ओह हेलो हाय डॉक्टर मशहूर राव, उधर बैठिए आप, इधर बाद में मिल लेना आप, मीटिंग बाद में लाइव चल रहा है आप मेरा दूर में। हाँ आप गोंडा जिले में? अच्छा हाँ गोंडा जिले से, तो एक एक और आदमी चाहिए। अरे टीवी के अंदर जा मत, थप्पड़ मारूंगा। चंदू हाँ जी चंदू जल्दी आ जल्दी जल्दी। नमस्कार, आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी सिनेमा बनाम आम आदमी। तो एक तरफ है हमारे साथ फिल्मी सितारे और दूसरी तरफ हैं बहुत सारे आम आदमी। भाई हेलो, मैं आम आदमी नहीं हूँ, आई एम फेमस डॉक्टर मशहूर गुलाटी। आम आदमी मैं नहीं हूँ, ये होंगे। आप कभी कॉमेडी के लिए जेल गए हैं? कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आप चुपचाप यहाँ पर बैठे रहे, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कॉमेडी के लिए जेल भी गए हैं। ये कौन सी जगह अपने? ये देहरादून। देहरा में दून दून तक फेमस हूँ जी मैं। तो आप तो चुप रहे, अच्छा है डॉक्टर साहब चुप रहिए, उत्तेजना से देर भली। उत्तेजना नहीं होता है, होता है दुर्घटना से देर भली। उत्तेजना मेरी सिस्टर का नाम है, उसने कहा था शो में मेरा नाम लेना, आपको प्रॉब्लम है? तो हमारे साथ एक तरफ फिल्मी सितारे हैं, एक तरफ देहरादून से डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बधाइयों से चंदन चाय वाले, और गोंडा तो पूरा जिला ही आके बैठा हुआ है। तो आप लोग अपना पॉइंट सामने रखें, आपको बॉलीवुड से क्या परेशानी है? मैं जानना चाहती हूं कि आपकी फिल्मों में हीरोइन हमेशा ऐसी पतली सुकड़ी थिन एंड क्रिस्पी क्यों होती है? कभी कभार आप मुझे भी मौका देके देखिए, ऐसी क्या कमी है मुझ में? एक फिल्म बनी थी जिला गाजियाबाद, अब जब जिला गोंदा हो जाएगा तो आपको कास्ट कर लेंगे उसमें। बहुत अच्छा जवाब दिया जुंडी वाले बाबा ने, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक अभिषेक आप काफी इस क्वेश्चन पर जो है आप, अभिषेक आप क्या मुझे सुन रहे हैं? तो आप अभिषेक हमको नहीं दिख रहे यार, हम क्या चर्चा करेंगे, तुम ही देखे जा रहे हो, आगे ब्लॉक कर रहे हो। ऐसे ये मारने के अलाउड है? नहीं नहीं, मुझे बड़ा मजा आता मारा मारी में। अलाउड है? देखिए आपकी फिल्मों में और भी कोस्टार आते रहते हैं, हमारे पास ले दे के यही है। तो आप इन पे हाथ ना ही उठाएं, हमारा पहले भी काम बंद हो चुका है, तो प्लीज। ओके आपको नहीं लगता कि ऐसी हीरोइन का फायदा भी, मिस्टर अभिषेक मैं आपसे जानना चाहता हूं, दुनिया जानना चाहती है, देश जानना चाहता है, ऐसी हीरोइन का फायदा भी है? इनके साथ आपके पास वैनिटी वैन नहीं है, आप पीछे होके कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसी हीरोइंस को मौका मिलना चाहिए? मौका नहीं तो कम से कम धोखा ही दे दीजिए। कि जरूर इन्हें एक मौका देना चाहिए। देखिए हमारे फिल्मों में कई सारे लोकेशंस होते हैं जी, इन्होंने तो एयरलिफ्ट बना ली है जी, इनको तो वाकई एयरलिफ्ट करना ही होगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाने के लिए जी। लेकिन जरूर मौका देना चाहिए, बहुत ही अच्छी कलाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये साल में चार 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 फिल्में करते हैं, मुझे लगता है कि इन्हें आपने कभी इनको बिना मेकअप देखा? मैं बताता हूँ, ये देखिए। नहीं नहीं बिना मेकअप अब देखिए। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, अच्छा किया। देखिए करो, बुरा मत मान, बुरा मत बोलिए, अब इनको लेंगे आप? नहीं मैं उनको अब आप लेंगे इनको? तो जैसे अक्षय जी ने सीधा सीधा आपके मुंह पे पानी फेंका, उन्होंने जो बच्चन साहब हैं वो बड़े ही सभ्य तरीके से आपकी बेइज्जती करके गए हैं। मैं इस बात को कट करना चाहूंगा, पानी नहीं कॉफी है। क्या क्या कहा आपने? कॉफी है, कॉफी।
कॉफी है। ये देखिए, ये पानी है। फिर पीजिए। पानी है, पानी है। तो जैसा कि आपने देखा कि मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार जो हैं, वो थोड़े आक्रामक हो गए। उन्होंने इनके मुंह पे पानी फेंका। उनके पास उस समय गोली नहीं थी, शायद वो चलाते। नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा है कि इसके अंदर पानी था या कॉफी। भाई ये मैं साबित करने के लिए मैंने उनके मुंह पे पानी मारा है, क्योंकि मैं कॉफी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं कॉफी पीता नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन्होंने साबित करना है। डॉक्टर साहब आप बताइए, कॉफी पीना गलत है कि नहीं? 5 रुपए तक ठीक है। चलो, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने मुंह पे पानी फेंक के मारा, आई डोंट नो कैसे मारा, बनता भी है। कहने का मतलब यह कि हीरोइन ऐसी होनी चाहिए। कैसे मारा आपको पता नहीं? नहीं, एक मिनट, नहीं पता है, पता है। वो मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा पता है। मैंने नहीं देखा। नहीं, पता है, मुझे नहीं पता। देखिए, पता है मुझे, आपको पता है। खड़े करो, किसने नहीं देखा? अरे देखा है सबने, देखा है। और पाजी नहीं, अब असली कॉफी मार दूंगा मैं। तो पानी फेंक के मारा। लाओ इधर लाओ। नहीं, मैंने पास नहीं आना। मैं उसको मार रहा हूं। मैं तो कहता हूं रंग डाल लो, थोड़ा थोड़ा होली हो जाएगी। किसने नहीं देखा? देख लिया? नहीं देखा। देख लिया नहीं देखा। उसको तो बता दो सर, बाकी एपिसोड में देख लेंगे। उधर देखो कौन है। एक लड़की भीगी भागी सी। तो आपको कैसा लग रहा है, 3 बार लानत की तरह आपके मुंह पे पानी डाल के गए हैं? काफी गीला गीला महसूस कर रही हूँ। देखिए कोई बात नहीं, हीरोइंस कभी कभी वेट एंड वाइल्ड भी होती हैं। अच्छा सर, वैसे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। माइंड पहले आपके पास कहाँ से आया, ये बताएंगे दर्शकों को? माइंड में क्वेश्चन आया। जी जी। तो मैंने फिल्मों में देखा है कि जो बच्चा है, आज टीवी से बाहर जा रहा है, अनपढ़ आदमी, पीछे रखिए। जी जी, मैंने सर फिल्मों में देखा कि जो बच्चा है वो दौड़ता दौड़ता बड़ा हो जाता है। हमारे रियल लाइफ में मेरा बेटा रोज दौड़ता, वो बड़ा नहीं हो रहा। जी देखिए, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास है, आम इंसान के पास नहीं। देखिए, उनके बच्चे खा पी के दौड़ते हैं, आप खाली पेट दौड़ाते जाएंगे तो कैसे बड़े होंगे? इट इज अ सीरियस कंसर्न। मुझे लगता है इनकी बच्चे को हाइट की शायद प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल चेकअप की जरूरत हो। आप लेके आए मेरे पास, मैं उनको हील वाले जूते बनवा दूंगा। आप अपने नर्स को सैलरी दे दें, वही काफी हो जाएगा। डोंट गेट पर्सनल, यहाँ पे सीरियस बातें हो रही हैं। आपको पता है डॉक्टर साहब, सिर्फ आप और मैं ही सिर्फ सीरियस बातें हो रही हैं। इनको मजाक सूझे, इनको दोनों को कुछ नहीं सूझ रहा। एक और क्वेश्चन सर मैंने पूछना है कि जो जैसे हीरो जो है वो हमेशा अच्छा ही क्यों होता है फिल्म में, एक चाय वाला क्यों नहीं हो सकता? तो आप मानते हैं कि आप अच्छे नहीं है? नहीं नहीं, मतलब हीरो क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लीजिए आप चाय वाले हैं, तो आपको ऐसी हीरोइन के साथ सीन करना। का चाय वाला हीरो नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अक्षय कुमार जी, एक सवाल है। आप फिल्मों में जैसे डायलॉग बोलते हैं, डोंट एंग्री मी, आपकी आवाज ऐसी होती है, ठीक है, डोंट एंग्री मी ऐसे कर। जब ये गाना गाते हैं तो मीका सिंह की आवाज कैसे बन जाती है? ये मेरे को समझ नहीं आया। इसीलिए मुझे नहीं लगता आप असल डॉक्टर हैं, क्योंकि आप अनपढ़ हैं, क्योंकि उसको कहता है प्लेबैक सिंगर। ये क्या होता है? वो जो जिसकी अच्छी आवाज होती है उसको पीछे हम रखते हैं, वो गाना गाते हैं, हम उसकी एक्टिंग करते हैं, इसे हमें एक्टर कहते हैं। आपकी तरह नहीं है कि डॉक्टर, आप सर्टिफिकेट लेते हो, काम कोई और करके चला जाता है आपका। ये तो डांटने वाली बात होगी, जवाब देने वाली नहीं, ये तो ऑब्जेक्शन वाली बात है। ऑब्जेक्शन वाली बात है ये। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये भी बता दीजिए, आप लोग जब गाना गाते हैं तो अचानक आपकी फिल्म में 20-25 डांसर आपके पीछे आके डांस करने लगते हैं, वो भी सेम स्टेप पे बताइए कैसे? हाथ अंदर कर। मैं गाना गाती हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आता है। अच्छा, आपके पीछे सब छुप जाते हैं। आई थिंक मिस्टर अभिषेक बच्चन थोड़ा बोर हो रहे हैं, अगर आपको कहीं घूम फिर के आना, आप जा सकते हैं।
अच्छा एक मेरा सवाल है आप तीनों से। जी। कई फिल्मों में एंटरटेनमेंट नहीं होता, मनोरंजन नहीं होता, फिर भी एंटरटेनमेंट टैक्स क्यों? जवाब दीजिए इस बात का, इस बात का जवाब दीजिए आप। इस बात का जवाब है तो दे दीजिए। इस बात का जवाब दो मैम को। इस बात का जवाब है, इस बात का जवाब है बे। डॉक्टर आ जाओ, आओ पकड़ के रखो उनको। एक मिनट डॉक्टर साहब, ये कह रहा हूं इस बात का जवाब है। मैं ये कह रहा हूं सुनो, इस बात का जवाब है। सुनो तो मेरी बात, सुनो तो मारो उसको। ये टीवी ना देखो, प्लीज मत मारिए, ये प्रॉप्स हटाइए यहां से। अरे अक्की भैया छोड़ दो। अच्छा मेरा कोर्ट, अरे डॉक्टर कोर्ट चाहिए ना, कोर्ट चाहिए, ले लो। छोड़ दो छोड़ दो, अरे थैंक यू। कोर्ट नहीं चाहिए, जान चाहिए। आप बचाइए बचाइए मेरे को, आप तो हमारे अपने हैं। ये अपने बोल रहे अपने। अरे आप वो हैं? अरे कैसे हैं आप? अपने वाले। अरे आ जाओ डॉक्टर साहब, इधर इधर इधर। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इन्होंने पिछले एपिसोड में अभिषेक की वाइफ को छेड़ा। Well done, well, all the best. Yes. All the best. और अगली बार ऐश्वर्या आए तो ये याद रखना आप। हाँ कौन कौन ऐश्वर्या कौन है? हाँ exactly. सही जवाब। Okay, come in. Okay, bye bye. See you soon. फटाफट फटाफट। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। साडे घर का नाम ये देखो पेपर पे छपा है। क्या कह रहा है? अरे 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 गलत बोल गए हैं, छपा नहीं छपवाया है। क्या है सर, के ऊपर का जो कमरा है ना किराए पे दे रहे हैं, चार पैसे आ जाएंगे। हाय नी मेरा मोटू, मेरे पास ना 8 पैसे का आइडिया है। अरे क्या ऊपर नीचे दोनों किराए पे दे दें? नहीं, पैरों पे घुंघरू बांध के ना सड़क पे नाचो ऐसे ऐसे। नाची कहीं के 4 की जगह 8 पैसे आएंगे। क्यों दे रहे हो मेरा घर किराए पे? अरे महंगाई कितना है, ऊपर से 11 बच्चे 15 भैंसिया 1 साली और ये इतना सारा खर्चा के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। बच्चा ले जे, उंगली करने वाला आदमी आ गया। आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना तुम। तो नहीं करेंगे, और वैसे भी हमसे यहाँ पर इस वक्त बात करने का जरूरत तुमने कैसे किया? भाभी इसको समझाओ, दोस्तों के साथ ऐसे बात करते हैं? सुनो जी, दोस्ती में ना थैंक यू होता है ना सॉरी। मैं तो कभी सीधा थप्पड़ मारो इसके मुंह पे। तुम लोगों ने ना मेरे साथ प्रायो जैसा व्यवहार किया है। मेरे होते हुए तुम लोगों ने अखबार में घर को किराए पर देने का इश्तिहार दे दिया। ओ भाई ओ, तुमको जरा आइडिया है कि घर लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? बच्चा ये तेरी मेरी दोस्ती के बीच में पैसा कहाँ से आ गया? चंदू ये तुम्हारे हमारे बीच में दोस्ती कहाँ से आ गई? सही कहा। बच्चा पैसे का घमंड इतना अच्छा नहीं होता, पैसा मैं भी ला सकता हूँ। सिद्धू पाजी एक बार को यहाँ से किसी हीरोइन को शायरी सुनाए बिना जाने दे सकते हैं। कप्पू शर्मा हमें चाय पूछ सकते हैं, ये खूबसूरत लग सकती है। ये बात हम जरा फ्लो फ्लो में बोल दिए, कोई और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे रणवीर सिंह किसी और की शादी में डांस किए बिना वहां से जा सकते हैं, लेकिन ये आदमी पैसे ला सकता है, इस बात पे हम यकीन नहीं करेंगे। बस बच्चा बस, अब तुम्हारे शब्द मेरी सहनशीलता की मर्यादा को लांग रहे हैं। ये लाइन भी किसी से मांग के आया है, मांगेतर कहीं का। क्या? मैं चंदन उर्फ चंदूलाल वल्द गसीटा राम आज भरी महफिल में ये शब्द लेता हूँ कि जब तक मैं पैसे लाकर तुम्हारे मुंह पर नहीं मार देता और घर किराए पर नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ₹10 देना, वड़ा पाव खाना है। देखो भाई,
जरा भीख की तरह मांगोगे ना तो शायद हम दे भी दें। ये देखिए आधा एटीट्यूड आधा भिखारी। हेलो यार ये देखिए आधा आदमी आधा हिप हॉप डिटरमिनेंस। आधा क्या? वही नहीं वही क्या? बहुत मोटा है, मुंह में फंस गया है। अरे नहीं नहीं बताओ। नहीं मैम मेरी बात सुनो। इधर आओ जी। सुनो जी, अगर वो कहीं पैसे ले आया तो? अरे वो कहाँ से पैसे लेके आएगा, और वैसे भी घर हम उसे देंगे जो हमारी शर्तें माने। डोंट वरी, तुम ना अंदर जाके जरा बच्चों का लंगोट बदलो। चलो एक मिनट, कैसे बदलूं? उन्होंने कौन सा गीला किया है? हाँ तो जाके अपना शकल दिखा दो ना, डर के गीला कर देंगे। इधर आओ जी, मेरे से ना जरा तमीज से बात किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको चेंज करना पड़े। आए बड़े, सब देखो मेरी बेइज्जती करते रहते हो। हमो का नाराज हो जाते हो बेबी, स्वीटी। जूती। देखो यार ये तो नाराज है बेबी। ए स्वीटी ए। नानू। अरे रुक जाओ, अरे ना चली। बेबी स्वीटी, स्वीटी बोल रहा हूँ। ये तो साहब मैं आ गया। मैं आ गया। इससे पहले कि ये और कुछ कहे, इसके ऊपर मैं कुछ कह देता हूँ। कह दो। चेहरे पे मुस्कुराहट रोज देता, वाह। हंसते हंसाते जीवन की सोच रोज देता है, वाह। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ये राजेश अरोड़ा, जब भी आता है खुशियां ही खुशियां बिखेर देता है। गले मिलने को दिल कर रहा है। मिलने में नहीं, आपके पीछे बैठी लड़कियों से। कैसे देख रही है मुझे आके बाढ़ बाढ़ के, कैसे हैंडसम मर्द कभी देखा नहीं पहले से। चिन्नी साहब आपको एक बात बताऊं? दो बता। बहुत रिच लग रहे हैं आप चिन्नी साहब, बोलो पाउट पाउट। चिन्नी साहब 0 रुपया आउट। चिन्नी साहब मैंने पेपर में ऐड देखा, इधर कमरा खाली है किराए पे। मैं आ गया। हाँ। आप सोच रहे होंगे मैं डोली में क्यों आया? क्यों? जो मैं चोली में आता आपकी हंसी निकल जाती। मैं अकेला नहीं आया, सुनिधि साहब दुल्हन भी आई। ओ, 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 क्या बात है। वो छा गया गुरु, छा गया अरोड़ा। हाँ यहाँ पे शर्मा रही है। डोली में मुझे इसने ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाए जैसे आप नहीं मुझे फॉरवर्ड करते पैसे वाले। शी इज वेरी नॉटी। ये अपनी विदाई के टाइम पे रो रही थी, मैं समझ गया ये कंफर्टेबल नहीं है। हाँ। मैंने इसके बाप को कहा दूल्हे को जाने दो, मैं इसके साथ आता हूँ। मुझे भी लिफ्ट मिल गई, ये भी खुश हो गई। हेलो दुल्हन, अगर तुम्हारा दूल्हा तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ करे ऐसा खींच के लफाड़ा मार देना उसको। सिद्धू साहब आप सोच रहे होंगे मैं इतना तैयार हो गया कहाँ से आ रहा हूँ। मैं एक्चुअली शादी में गया था। हाँ। वैसे मैं इतना तैयार होता नहीं। हाँ। मैं दिल्ली में गया, दिल्ली की शादियाँ मुझे बड़ी पसंद है। बिग फैट वेडिंग, सॉरी बिग फैट वेडिंग। अरे दिल्ली की शादियों में इतनी अमीर महिलाएं आती हैं, उनको देख के मजा आ जाता है। मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ अंदर ही अंदर। सच बता रहा हूँ मुझे स्मोकी आईज बड़ी पसंद है। आई एम एडिक्टेड स्मोकी आई वाली लड़कियाँ फ्रेंडशिप के लिए संपर्क करे राजेश अरोड़ा। अरे मुझे वो बोटॉक्स वाली लेडीज भी बड़ी अच्छी लगती हैं, वो जो गाल ऊंचे नहीं करा लेती। कसम से सिद्धू साहब इतना मजा आता ना, 50 की उम्र में भी 49.5 लगती है। अरे मैंने मुंबई में आ गया, बैंड्रा की बड़ी बातें सुनी। बैंड्रा में रात को पार्टियां बड़ी होती हैं। हाँ। बैंड्रा में जो लड़के हैं दुबले पतले मरे ले लड़के। हाँ। इतनी इतनी पैंट पीछे से मांग दिख रही होती लड़कों की। मेरा दिल करता है इनका बाप बन के ना इनको मैं घुटनों में लेके कूनी मारूं। हालांकि मेरी उम्र नहीं है, आई एम टू यंग टू बिकम ए फादर। अच्छा सिद्धू साहब, हाँ जी, आपने इतना क्रिकेट खेला, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ। रात को जो शराब पी के हैंगओवर हो जाता है। हाँ। वो कितने ओवर का होता है? मैं ये घर में रहने आया हूँ, मैं देखूं यहाँ पे घर कैसा है। मैं अगर मुझे पसंद नहीं आया मैं यहाँ आग लगा दूंगा, मेरे को पसंद नहीं आता
ये घर किसका है? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। तितली 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 तितली, हमसे इस तरह नाराज मत हुआ करो यार, कहीं तुम्हें मनाते मनाते कोई और हमसे ना मन जाए। मन जाए मेरे हाथों से, वो मर ना जाए। पीछे हो, सारा भार मेरे पे डाली जा रहे हो। अरे आओ आओ आओ, लो यार। हाँ हमारे जैसा सामान सेम टू सेम खरीद ले सस्ते में। अरे हाँ, ये तो एकदम ये हमारे जैसा ना, ये तो हमारा ही सामान है। ए? ओ, ओ भाई साहब। हेलो अंकल। कौन हो भाई, और ये क्या है कि हमारा सामान कैसे फेंका ऐसे? घोड़ी की पूछ का झाड़ू बनाया, मोटी शर्म नहीं आती तुझे? ये किसका सामान है? अच्छा हुआ दोनों मजदूर आ गए, मेरी बात सुनो। ये सामान उठा के नाले में फेंक दो, चलो। एक मिनट, आप क्या देख रहे हो? मेरी माँ का दिया हुआ सामान नाले में फेंक रहे हैं। बच्चा सुना हमने, सुन के आंखों में आंसू आ गए। जो बात इतने सालों से हम न कह पाए, एक पराया मर्द कह गया यार। इधर आओ, मेरा ये वाला हाथ दुखता है। नहीं नहीं, हम खाली कह, हम खाली कह। बेबी, इतनी बार का तमीज में रह करो। ऐसा ना हो कि भारत की जनसंख्या में से एक आदमी मैं कम करती हूँ। किसने दो कद्दू धो के रखे हो? सुनो मेरी बात, मेरा गृह प्रवेश करवाओ। इधर लोटा रखो चावल वाला, मैं ठुडा मार के शर्मा के अंदर जाऊंगा। मेरे को बड़ा मजा आता है। गृह प्रवेश कराओ मतलब क्या है? तुम हो कौन? तुम कौन हो? बच्चा है। बच्चा है, चल बाप को बुला के ला। बच्चों से मैं बात नहीं करता। एक मिनट अंकल जी, ये 11 बच्चों के पापा हैं और मैं उन 11 बच्चों की मम्मा। 11 बच्चे, इन दोनों में से कोई तो है जो गलत फिल्में देखता है। 11 बच्चे मतलब 5.5 तुम्हारे, 5.5 तुम्हारे। 5.5 बच्चे क्या होते हैं? बच्चे तो माँ पैदा करती है ना। आदत तुम भी किया करो मोटू। इतना एरिया तुम्हारे पास आलसी आदमी कहीं के? देखा, मैंने कहा था ना मेरी बात मान लिया करो, काम चोर कहीं के। अब देखो यार, हम तुम्हें किराएदार नहीं रख सकते हैं। मैं एज ए मालिक रह लूंगा। चलो इसी खुशी में तुम्हारा 1 साल का किराया माफ। जाओ। सच्ची अंकल? बेचारा। सच्ची अंकल? हाँ। फ्री में रहेंगे? ए भ्रष्ट बुद्धि, हमारा घर है ये, हम तो फ्री में ही रहेंगे ऑब्वियसली। मुझे तुम्हारी हंसी पसंद नहीं आ रही बिल्कुल। मैं चोंच मार के पंक्चर कर दूंगा तुम्हें। और सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हारे घर का वास्तु पसंद नहीं आया, इसको ढे दो। एक काम करो, इसका एंट्री गेट तोड़ के इसका गेट ऊपर लगाओ और ऊपर एक हेलीपैड बनाओ। ओह, आपके पास हेलीकॉप्टर है? मेरे पास माँ है। और सुनो मेरी बात, ये घर रविवार के रविवार जुहू के सामने शिफ्ट करो। बच्चन साहब आएंगे ऐसे हाथ लाएंगे, मैं मुंह उधर कर लूंगा। लोग कहेंगे बच्चन साहब से बड़ा आदमी आ गया, कैसा लगा मेरा आइडिया? डॉक्टर जी, अगर मैं आपके दिमाग का इलाज करा दूं तो कैसा रहेगा? कैसा लगा ये आइडिया? अत्थू। मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, जाओ। ओए गंडुमल, घर की चाबियां दो मेरे को।
और ऐसे कैसे चाबी दे दे, आपको घर में रहना है तो पहले पगड़ी देना होगा। पगड़ी नहीं, मैं तुम्हें साड़ी दे सकता हूँ। और सिद्धू साहब को बड़ा मजा आता है, लड़कों को ना लड़कियां साड़ी पहन के आती है, इनको बड़ा मजा आता है। मेरी तरफ से डील फाइनल। रुक जाओ। चंदू ने अपना वादा पूरा कर दिखाया है, पैसे मैं ले आया हूँ। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए भाई? तुम आम खाओ, गुटलियां क्यों गिन रहे मोटू राम? ये बताओ शिफ्ट कब करना है? ओ हेलो चोटू, जब भाग के पानी ले गया। चोटू नहीं, चंदन हूँ मैं, चंदन। ओए तेरे मुंह पे नहीं सूट करती जैसा बातें। तेरे मुंह पे ये, ओए चोटू हेलो। आप हो कौन? अद्भू। ओ रोड़ा साहब, आप फिर आ गए। डकार, फाट और मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता। ओ, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये सोसाइटी के तीन स्तंभ हैं। अच्छा, दीपिका, आलिया, कटरीना, ये है स्तंभ, इनको रखो, मेरे को बड़ा मजा आता है। ये तीनों बड़ी मुझे पसंद है, हॉट कहीं की। ये इतना लगातार इतना फालतू बात कैसे कर लेते हैं आप? अच्छा मैं एक बात बतानी भूल गया, मुझे ना डबल एक्सल मोटे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वो क्या कहते हैं, वो जो सब्जी में लगता है यार, ओ, तड़का, तड़का सूखी दाल खाने वाला आदमी, इसको क्या पता तड़का क्या होता है। तू वो बुला कर, फंगस, फंगस, हाँ। अच्छा मुझे फंगस बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, लेकिन जब मैंने इसको देखा मेरे को लगा कि फंगस ठीक होती है। लेकिन जब मैंने इसको देखा और मैंने कहा फंगस बहुत अच्छी होती है। मुझे तुम्हारा मुंह पसंद ही नहीं आया। आपने अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में देना जो मुझे पसंद कर रहे हो? मेरी बेटी है ही नहीं, अगर होती तो मैं उसका हाथ जरूर देता तेरे मुंह पे। तुम अपने मुंह पे लखनवी एम्ब्रॉयडरी कराओ, 2500 रुपए में हो जाएगी। आप भी अपने मुंह पे सिलाई करवा लो, 10 रुपए लगेंगे। ये बात के बाद मुझे और भी गंदा लगने लगा है। इसको डिलीट कर दो। तुम्हारा डिलीट हो गया है? ओ नहीं, ऐसे कैसे डिलीट हो गया? डिलीट कर दो, मैं पैसे लेकर आया हूँ। ये देखो पैसे लेकर आया हूँ। ये पैसे नकली है। ऐसे कैसे नकली है? अनुपम खेर की फोटो बनी है इधर। ये पैसे नकली है। एक, पैसे नकली है। तीन, पैसे नकली, पैसे नकली। कहाँ से नकली है? पैसे नकली है, दिखाओ असली, असली है। ये लो भाई, किराया मेरा हो गया। हेलो, मेरा पैसे आ गए। लेकिन ये तो मेरे पैसे हैं। तुमने किसके हाथ से लिए मोटे? आपके हाथ से लिए। तो पैसे किसके हुए? तो मेरा तरफ से एडवांस आ गया। चलो मेरी बात सुन लो, मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं लड़कों को बुला लूंगा। मैंने पूरे मुंह में तेरा पूरा किला दे देना है। अभी रुको जरा, फिर अभी मैं आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। अच्छा जी, इतना शोर क्यों मचाया है इधर मोहल्ले में? इतना लेट कर दिया तुमने आने में, मेरा 6-7 साल का फ्लर्ट वेस्ट हो गया। चलो फिल्म के लिए लेट हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं ऐसा पराए मर्द के साथ फिल्म नहीं जाती। तो एक फिल्म के लिए मैं शादी भी नहीं कर सकता। शादी क्यों करोगी? अच्छा बिना शादी वाली फ्रेंडशिप, ओपन माइंडेड डिंकरी का। मेरे को तुम बहुत पसंद आई हो, पहली बार मुझे कोई पसंद आई है। जाओ किसी तुम्हारी। अच्छा, और ले जाओ। कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? कुछ बोलो ना। तो क्या है कि हम अपनी वाइफ से थोड़ा डरते हैं, इसके लिए अभी बोल नहीं पा रहे। तुम फोन नंबर दो ना, सारा सारा बोल देंगे, सब बोलेंगे। इतनी बातों को ध्यान मत दो, तुम मुझे काले अंगूर खिलाओ, मैं लेटता हूँ। तुम मुझे अपने साथ डेट पे ले जाओ, मेरे बड़े सारे फायदे हैं। कैसे? मेरे सारे फायदे उठा लो, मुझे कहीं का ना छोड़ो। भैया, किसकी हिम्मत हुई मेरी बहन को छेड़ने की? ओए 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 ओए, सिद्धू साहब ऐसा लग रहा है किसी ने सोनी पिक्स पे भोजपुरी चैनल चला दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती?
घर में अंग्रेज छुपा के रखती हो, मुझे तुम पे पहले से शक था, तेरे आगे काले और काले लगने लगे हैं। अरे अंगूर, ये मेरी भाई है, I mean भाई है। इन अंग्रेजों पे कभी भरोसा मत करना, ये कभी राइट हो ही नहीं सकते, ये गाड़ी भी लेफ्ट साइड चलाते हैं। ए खबरदार, हमारे बारे में कुछ बोला तो? यार तुम तो बुरा मान गए, आई लव अमेरिका, आई लव यूएसए, आई लव, मेरी शकीरा और जेनिफर लोपेज़ से बात कराओ। पैसे ले लो, पैसे ले लो। क्या फालतू बात कर रहे हो? तुम्हारा कर्जा पानी निकल आएगा। नहीं, यहाँ से निकलो। इधर आओ यार, तुम तो बुरा मार गए। और सुनाओ, डोनाल्ड का ट्रंप कैसा है? अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी, तुम अमेरिकनों से, ये जो तुम टॉयलेट में पेपर लगाते हो, वो कभी पढ़ते भी हो कि नहीं? क्या बोलो तुमसे? तुम निकलो यहाँ से, अंग्रेजों भारत छोड़ो, चलो। इन लोगों ने हमें बड़ा लूटा है, मैं इन लोगों से 150 करोड़ दिराम लूंगा। अरे दिराम कैसे लेंगे, इनके यहाँ डॉलर चलता है। मुझे मुझे दुबई में यूज करने हैं। मेरे को बैले डांस देखना है, वो जो ऐसे से लाते, मेरे को बड़ा मजा आता है। कभी हमारा भी बैली देख लो, टक्कर रक्कर रक्कर तक वाला। बेटे मैं तुम्हारा बैले कैसे देखूं, तुम्हारा बैले बैल हो चुका है। बच्चा? अरे 11 तो दे दिया, और कितने दिन थक गए हैं हम यार। क्या बच्चा बच्चा बच्चा, बच्चे की औलाद, चुप कर। खबरदार, हमारी बीवी से ऐसे बात किए तो हमको गुस्सा आ रहा है। अब तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक अनजान आदमी से शादी करते हुए। एक मिनट जी, शादी तो अनजान आदमी से ही करते हैं ना? बिल्कुल नहीं, मैंने तो अपनी बीवी से की है। तुमको शर्म नहीं आती शादीशुदा होकर इतना फ्लर्ट करते हुए? जब मैं फ्लर्ट करके शादी कर सकता हूँ, तो शादी करके फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकता? मुझे तुम बड़ी पसंद आई हो, चलो चले फिल्म देखने। सो रोमांटिक यार, कितने प्यार से पूछ रहे हैं उनको, देखो। तो उससे प्यार से तो हम भी पूछ ले, हिम्मत है तो इससे पूछो प्यार से। पकड़ो ये, जब देखो मेरी बेइज्जती होती रहती है, मैंने एक मिनट ही रहना यहाँ पे। मम्मी नाराज कर दिए ना आप, आपको शर्म नहीं आता है? एक मियां बीवी के बीच में आपने झगड़ा करा दिया। बिल्कुल नहीं आया। मुझे ये आदमी का दिमाग खराब लगता है। अच्छा बोल बानू। बानू, I love you जानू। अरोड़ा, आप देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। माइकल घेर लो इसको। नाम ले मुन्ना भाई। मुन्ना चलो घेर लो इसको, इसने मेरे पैसे छीने हैं। आ गया आ गया, गुंडा आया। इसका पैसा वापस कर। बजा। चाकू देखा क्या? देखा, कैसे दिया? मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट, सब्जी काटना। अरे मेरा चाकू वापस करो। बजा। कैसे गुंडे यार, तुमसे ज्यादा तो मैं लड़ देता हूँ। ये कच्चा गुंडा तोड़ रहा है। इधर आओ, इधर आओ, रोना नहीं, रोते हो कितने गंदे लगते हो, तुम्हें बोला नहीं किसी ने? ये लो पैसे, कीप द चेंज। थैंक यू। ऐसे मोटा मुंह लेके मेरे पास नहीं आना आगे से। ये गुंडा लाए थे। ए, किसका बजा? किसका बजा? किसका बजा? तेरा मिस कॉल जैसा मुंह तेरा बजा होगा पक्का। अरे मेरा बजा। हेलो, हाय। हेलो, कैसी बाबू, खाना खाया? अरे शर्म नहीं आता हाँ मेरी बहन को फोन करते हुए? तुझे शर्म नहीं आता अपने जीजा का फोन सुनते हुए? मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा। अच्छा? तूने मोटे आदमी, मेरे पैसे वापस कर, मैं चिंगारी के साथ रहूंगा। अरे कैसे पैसे, ये जो हमारा इतना नुकसान किया, ये कौन भरेगा? ये दुनिया में सिर्फ भरने आया, पहले तो अपना पेट भरा, फिर बीवी का पेट भी खाली नहीं रहने देता ये। और कितना भरेगा तू, तुझे बाद में देखूंगा। चलो चिंगारी, हम लोग रहना शुरू करते हैं। तुम मेरी बहन के साथ नहीं रह सकते? मैं तो रह सकता ना। अरे तुम अपनी औकात में रहो। और यार
मुझे मेरी कोई औकात बताएगा? 8 लाख रुपए कप्पू ने मार लिए, 10 हजार रुपए अरोड़ा ने मार लिए। तुम रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं। मेरी मुझे तो मजा आ रहा है। मेरे बैंक को छोड़। मैं इस दुनिया में किसी लड़की को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। इसको कैसे छोड़ दूं? जुबान को लगाम दो। अच्छा तो ये वही है, 3 गुना लगान भरना होगा। मेरा डंडा कहाँ है? अरे अरे नो, नहीं नहीं, मेरा डंडा कहाँ है? तुम वही हो। मैं वो नहीं हूँ, वो लगान वाला दूसरा है। देखिए ऊपर एक कमरा खाली है, अब बाहर रह सकते हैं। हाँ बस 3000 किराया देना होगा। तो मेरे बारे में भी तो कोई सोचो। मैं सोचता हूँ, सोच लिया, निकल। देख मैं तुम्हें घर देता हूँ, तुम्हें किराया एडवांस में देना होगा। मैं अभी दे देता हूँ। लाओ ये लो, ये लो पूरे 3000। 3000 रुपये कोई बात नहीं, ये लो इधर आओ। हाँ ये तुम्हारा घर, ठीक है? और जब बारिश हो छत खोल लेना, ये लो। और अगर मेरे घर का कोई नुकसान हुआ तो मैं तुम्हारे मुंह में उंगली देके ऐसे तुम्हारे गाल फाड़ दूंगा। लोग घरों को पेंट करवाते हैं, मैंने हवा भरवानी है घर में। चलो अपने घर में हवा भरवाओ। और तुम, हेलो ओ मैदा, चलो निकलो, मैं आलू डालकर तुम्हारा कुलचा बना लूंगा। और मेरा किराया? कोई किराया नहीं, चलो भागो यहाँ से। अरे सिद्धू जी, अमेरिका में मेरी जिंदगी इतनी रंगीन थी, इधर आके सब बर्बाद हो गया है। अरे मैं तुम्हारी जिंदगी रंगीन करता हूँ। हेलो स्वीटहार्ट, तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो, तुम्हारी जिंदगी अभी रंगीन करता हूँ। बैठो, आंख बंद करो, बोलो गोली। गोली हैप्पी होली। मुझे पता तुम्हें रंग पसंद नहीं है। अच्छा तुम बोलो आटा हूँ। आटा हूँ तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। <Hello. laughs> आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं और बड़े ही नेक दिल इंसान हैं, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जितने सीधे और सरल हैं उतने टेढ़े मेढ़े और मुश्किल रोल करते हैं। प्लीज वेलकम वन ऑफ माय फेवरेट, मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बजे ताली बजे सीटी, काम ऐसे दमदार करता है। बजे ताली बजे सीटी, काम ऐसे दमदार करता है। अपने हौसलों की कश्ती से मुश्किलों के समंदर पार करता है। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है इसे छुरी या खंजर की, अपनी अदाकारी के तीर से दिलों पे गहरे वार करता है। अदाकारी तो इसमें कोई शक नहीं कमाल की, लेकिन छुरी खंजर के बिना कम ही करते हैं, उसमें भी रहती है, चलती है फिल्म में, मांगता है। अच्छा नवाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवाज भाई लव यू, एक बार जोरदार तालियां नवाज भाई के लिए। भाई मैं 1 साल फ्री था, हाँ तो जितनी फिल्में आपकी मिस की मैंने सारी देख डाली। क्योंकि नवाज भाई कुछ भी करें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं। नवाज भाई जब भी आते हैं बहुत मजा आता है। थैंक यू। लेकिन इस बार नवाज भाई ने जो किरदार निभाया है वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी का किरदार निभाया है। भाई वो बहुत ही एक स्ट्रांग लीडर थे, सबको पता है। कितना मुश्किल था उनका किरदार निभाना आपके लिए? एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो उनकी स्पीचेस हैं जी, उसमें ईज कैसे लाया जाए। बेसिकली उनकी स्पीचेस नहीं होती, बहुत कन्वर्सेशनल बात होती थी जो लोगों के बीच में ऐसा लगता था कि हमारी बात कर रहा है ये आदमी। तो उस तरह का उनका स्पीचेस होती थी, जो अक्सर स्पीचेस सुनते हैं हम लीडर्स की, वैसा नहीं होता था। उन्हीं की बात उन्हीं के बीच में खड़े होकर बोलते थे। जो आदमी 15-20 लाख आदमियों को एक इशारे पे अपने साथ चला दे, वो बहुत बड़ी ताकत का मालिक है, बहुत बड़ी ताकत। इसलिए मैं ये देखूं कि हम हिमालय की पर्वत की ऊंचाई जैसा कैरेक्टर जिस आदमी का, उस आदमी को न्याय देना और संस्था स्वरूप न्याय देना, अगर मैं किसी एक्टर के बारे में सोचूं तो भगवान ने सही चुना है, आप ही वो न्याय कर सकते थे। एक्चुअली जब फिल्म का टीजर आया ना बाजी जी, तो जैसे बाला साहब के जैसे इन्होंने शॉल लिया और पीछे से इनको कैमरा से ऐसे दिखाया गया,
तो मुझे सच में लगा कि बाला साहब ही है कैमरा पे, पर बहुत अच्छा लगा नवाज भाई कि आपने उनका ये किरदार निभाया। आपसे ढेर सारी बातें करने आई है नवाज भाई। नवाज भाई आप पहली बार हमारे शो पे आए हैं, अब ये देखो आप, जब भी हमारा शो शुरू होता है एक आध चीज नहीं ऐड होती, इस बार ये केले और सेब भी है। तो नवाज भाई आप जो भी फ्रूट खाना चाहें, बजट बड़ा तगड़ा है, ग्रीन सेब है, रेड सेब है, ये बड़े वाले केले हैं, छोटे वाले केले हैं, काले अंगूर हैं, गोरे अंगूर हैं, संतरा भाई, केले का, सेब का, संतरे का, अंगूर का, जो चाय मांगता है लेने का। मुझे लग रहा है जाके बेच दूं मैं। यार पूरा टोकरा स्ट्रगल बड़ा किया है नवाज भाई ने यार, वही याद आ रहा है मुझे, स्ट्रगल इतना किया नवाज भाई, मेरे को बड़े प्यारे लगते हो आप। अच्छा फ्रूट तो फिर भी बहुत बड़ी चीज, मैंने सुना धनिया भी बेचा है इन्होंने। मेरा एक्चुअली मैंने वाकई मेरा बैठ के बात करते मजेदार बड़े होते हैं इनके किस्से। उसी दौरान जब मैं छोटे छोटे रोल कर रहा था उनके पैसे तो मिलते नहीं थे। तो क्या होता था, मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि नवाज भाई 100 के 200 करने हैं क्या? हमने हाँ करने हैं, क्यों नहीं करने? तो उसने बोला चलो दादर चलते हैं। तो हम मेरा रोड से दादर गए, तो उसने 100 खुद के मिला, 100 मेरे लिए, 200 का हमने धनिया लिया इतना। और वही दादर जो सब्जी मंडी है ना वहीं पर रख के, और 10 की गड्डी। बोलने लगा वो। अच्छा तो खरीदा तो किसी ने नहीं उसको, थोड़ी देर बाद 1 घंटे के बाद आए थे वो ब्राउन हो गए फिर काले पड़ गए। तो अच्छा। यार कोई बिका नहीं हो, तो हम उसके पास गए जिससे लिया था हमने धनिया। तो मैंने कहा यार कि ये तो काला हो गया, धनिया काला पड़ गया। अच्छा पहले उसके ऊपर पानी डाला था हमने। बोला हाँ ये मिस कर गए। तो फिर हम खाली बिना टिकट के वापस पहुंचे वहां। वही ना कंगाली में आटा गीला, एक तो पहले स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर से जो पैसे थे उसका भी धनिया लिया, उस पर पानी डालना भूल गए, धनिया भी सूख गया है, यूं हो जाता धनिया सूख के। क्या बात है यार, तालियां बनती हैं भाई आपके लिए। अच्छा मैंने अभी ये जो बड़े लोग बन जाते हैं, मतलब बड़ा काम से ही होता है आदमी, वो जब अपनी स्ट्रगल की बात करता है, उसके किस्से सुनाता है, तो फिर आम आदमी में विश्वास जगता है कि मैं भी ऐसा बन सकता हूं। इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ऊंची बात है। नवाज भाई जब भी आपको पहली बार बाला साहब का रोल ऑफर हुआ तो आपको खुशी हुई थी या टेंशन हुई थी कि यार मैं कैसे करूंगा ये किरदार? डेफिनेटली खुशी होती जब आपको चैलेंजिंग, एट द सेम टाइम मैं बहुत नर्वस भी हो गया था क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था, बहुत आसान कैरेक्टर नहीं था वो। बट मैंने तैयारी इतनी कर ली थी कि अगर मुझे आप रात में उठाओ ऐसे, मैं पूरी स्क्रिप्ट आधे घंटे में आपको सुना दूंगा, ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया। बाला साहब की बायोपिक से पहले नवाज भाई ने सादत हसन मंटो, बहुत महान राइटर हुए हैं, विचारक हुए हैं, उनकी बायोपिक की, उससे पहले जीतन राम मांझी जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था, उससे पहले इन्होंने रमन राघव नाम की पिक्चर करी, जो भी कहते हैं कि ओरिजिनल किरदार से ही प्रभावित थी फिल्म। फिर गैंग ऑफ वासेपुर में भी इनके करेक्टर जो हैं, ऐसे कहा जाता है कि रियल लाइफ पर्सनैलिटी से जो है इंस्पायर्ड हुए थे। तो भाई इंडस्ट्री में बाकी जो एक दो और बायोपिक बनी है, वो आपको स्क्रिप्ट पसंद नहीं थी कि टाइम नहीं था? मैं तो सोच रहा था कि मेरी कॉम भी मैं करूं, बट पर ये इतने कमाल के एक्टर है ना, ये गेटअप वेटअप लेके कर भी डालते। उसके लिए मेकअप थोड़ा ज्यादा करना पड़ता। नवाज भाई जो भी किरदार करते हैं ना पूरा उसमें घुस जाते हैं। नवाज भाई आपने जो रमन राघव किया था साइकोपैथ किलर का रोल, उस समय कौन से किरदार में घुसे थे आप? कुछ फर्क नहीं तो पड़ा आपको ऐसे करेक्टर को निभाने में? मतलब फर्क पड़ा था, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था एक्चुअली। क्या हुआ था? 8 दिन के लिए। अच्छा हाँ, पर नवाज भाई सीरियसली फर्क पड़ता है अगर आप कोई ऐसा किरदार करते हो? फर्क पड़ता है क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप किरदार से कुछ लेते हो तो वो भी आपकी लाइफ से बहुत कुछ ले लेता है, ये बहुत बाद में पता चलता है एक्चुअली। फिर मैं इसलिए सहमत हूँ, मैं ना भाई कॉलेज के दिनों में एक प्ले करते थे, प्रकाश कपाड़िया साहब है जिन्होंने एक प्ले लिखा था ब्रह्मनला, उसमें अर्जुन को श्राप मिल जाता है कि तुम नारी के उसमें रहोगे, भेष में भी और तुम्हारी हरकतें भी वैसी होंगी। तो मेरे को वो किरदार मिल गया। तो मैं क्या करता था, कॉलेज जब छुट्टी हो जाती थी वो लहंगा पहन के चुनरी लेके मैं, क्योंकि रिहर्सल करे तो वही पहन के घूमता रहता था। सिद्धू पाजी थोड़े दिनों बाद ना मैं जब प्ले हो भी गया, हमारा प्ले फर्स्ट भी आ गया, नेशनल भी चले गए, तो मैंने खुद ही रियलाइज किया कि मेरी चाल वैसी थी कसम से। पर ये सही बात है, लेकिन एक बार चल के तो दिखाओ, एक बार करिए जरा। अब चल अभी तो बताया ना क्या प्रॉब्लम है। अच्छा देखो ना, आदमी नॉर्मल दाढ़ी बड़ी रखी हो तो आदमी ऐसे चलता कि और कैसे हैं आप। तो सोचो ऐसे ही दाढ़ी बड़ी रखी तो मेरे को ध्यान में थोड़ी ना कि मैं कैसे चल रहा हूँ। और सर ऐसे आप
ठीक है, बाकी लोगों को लगता है बंदा आया तो ठीक था, पर हो जाता है। अच्छा अब नवाज भाई, अभी क्योंकि अभी नवाज भाई बड़े पॉपुलर हो गए ना, तो अब तो झट से पहचाने जाते हैं, तो फिर कई फिल्में ऐसी मैं देखता हूँ जिनमें ये मुझे मगर नवाज भाई इधर क्या कर रहे हैं। जैसे सरफरोश में मैंने आपका सीन देखा, क्योंकि अब मशहूर हो गए तो सब पता चलता है, तो एक फिल्म में बेचारे आए, एक ही सीन किया, कितने सारे थप्पड़ खाए और वो कोई उनको पुलिस वाले पीटते हैं ये वो, पर इतने से किरदार में अपने आप को बता देना कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने वो किया है इसमें, ऐसे कितने रोल किए होंगे नवाज भाई, और कोई ऐसी हसरत रह गई है जो आपने अभी तक पूरी नहीं की? मैंने आई थिंक छोटे छोटे रोल तो आई थिंक बहुत सारे 20-25 किए होंगे, लेकिन आधी फिल्मों के तो बारे में किसी को पता भी नहीं है। बस बहुत सारी सी ग्रेड की फिल्में भी थी उस वक्त पे बनती थी, तो उसमें भी करता था मैं। एक बार तो ऐसा किस्सा हुआ था कि हम लोगों को बहुत पैसे की ज़रूरत थी, तो हमने किसी कास्टिंग डायरेक्टर को बोला यार पैसे नहीं है तो कुछ इमीजिएटली कुछ बता दे, तो उसने बोला फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही है ऐड की, तो चला जाओ वहाँ पे। तो हम, मैं और मेरा दोस्त चार बंगला से यहाँ आ गए पैदल। अच्छा, तो ऐड की शूटिंग चल रही थी, तो बस में बहुत सारे ज़रूरत थी आर्टिस्ट की, जो जूनियर आर्टिस्ट भी थे, तो उसी में असिस्टेंट ने हमें उसी में वहीं बैठा दिया कि यहाँ बैठ जाओ और कुछ बिजनेस करते रहो। क्या करोगे? मैंने कहा मैं सो जाता हूँ या अखबार पढ़ लेता हूँ, ताकि किसी को चेहरा भी ना दिखे, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे एनएसडी से और देखो क्या कर रहा है ये। तो एनीवे वो शूटिंग ख़त्म हो गई, हमें 2,500-2,500 रुपये मिला उसको भी, और जैसे हम लेके जा रहे थे पीछे से जो जूनियर आर्टिस्ट का जो कोऑर्डिनेटर होता है उसने पकड़ा, कौन हो तुम लोग? मैंने जूनियर आर्टिस्ट हैं, तो कार्ड दिखाओ कहाँ है, तो कार्ड हमारे पास था नहीं। अच्छा हाँ, वो तो उसने बोला अभी तो वो देने पड़ेंगे तुम्हें पैसे आधे, तो आधे उसको दिया, मतलब आई थिंक 2,000 रुपये उसको दिए, 2,000 हमारे पास बचे। अच्छा। तो यही फिल्म सिटी से निकल के एक संतोष नगर है वहाँ पे बैठे और खूब खाया पिया दबा के बहुत, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस तरह से खाया पिया नहीं था। तो जब खा पी के पता चला हमारे पास सिर्फ मुश्किल से 200 रुपये बचे हैं, ऑटो में बैठे वापस जब घर गए तो हमारे पास कोई पैसा नहीं था। क्या बात है यार। अच्छा अब वो किस्से याद करके हंसी आती है, पर कितनी मेहनत की है नवाज भाई। तब तो बड़ा अजीब लगता था। अच्छा सारे किस्से स्ट्रगल के हैं कि थोड़े मजेदार भी हैं? और भी नहीं, मजेदार भी हैं। मैं नवाज भाई को ये पूछ रहा था कि मगर नवाज भाई अगर आपकी लाइफ पे बायोपिक बने तो कितनी हीरोइंस लगेंगी उसमें? कहने का मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कॉलेज में, या तो कोई एक्टर बहुत अच्छा होता है या कोई बहुत अच्छी गिटार बजाता है, उन पे लड़कियां बहुत मरती हैं। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे ग्रुप है, ग्रुप में हम लोग बैठे हैं स्ट्रगल के दौरान और उसमें लड़कियां भी हैं, और कोई लड़का होता म्यूजिशियन होता था, शाम के टाइम बैठे हैं और वो जैसे उसने गिटार बजाना शुरू किया, जिसको मैं ताड़ रहा था बहुत देर से, पता चला वो कहीं और ताड़ रही है। बात सही है ये, बिल्कुल सही बात है। नवाज भाई सोचो मैं और दिनेश साथ में बैठे थे, तो सेम जो आप बोल रहे हो, ये अपना दिनेश नहीं जो गिटार पे है, देख लो आप। अब आप खुद सोचो कि लड़की बैठी हो और मैं और दिनेश दोनों किसको पसंद करेगी, पर इसको कर लेते। चलो बात लड़कियों की हो रही है तो अब उन्हें इनवाइट करते हैं जो फिल्म ठाकरे में नवाज भाई के साथ नजर आएंगी और बहुत ही अहम किरदार निभा रही हैं। आप सबकी तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटीफुल अमृता राव। आज निगाहों को वो मंजर प्राप्त है, आज निगाहों को वो मंजर प्राप्त है जिसके आगे सारी सुंदरता समाप्त है। कपिल बंद कर दे ये सेट के ऊपर सारी लाइट, रोशनी के लिए इनका चेहरा ही पर्याप्त है। वाह, अभी थोड़ी देर पहले नवाज भार है, चाकू छुरियां खंजर आपके लिए, रोशनियां बंद कर दें, सिर्फ नजरें ही काफी है। आप बिलीव नहीं करेंगी मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपको याद है। आपको आपको पता है मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब मैं आपके शो पे थी और हम बातें कर रहे थे जी, मेरे घर पे मेरे रूम में पूरा का पूरा फॉल सीलिंग गिर गया मेरे बिस्तर पे। ओ, ओ, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, आपको पूरे पैसे देने चाहिए थे ना। अमृता आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। अच्छा
आपको याद है, मैं इस चीज की दाद देता हूँ, आपको याद है कि आप हम लोग पहले मिले थे, ऑफ कोर्स चलो शो में आए थे, उससे पहले हम एक बार मिले, बताओ। अच्छा हिंट दे देता हूँ, 10 साल पहले मिले हम, जब मैं स्कूल में थी। स्कूल के कंपाउंड के बाहर जो चने वाला वो जो बेचते हैं मूंगफली, उस कार्ट के पीछे एक बंदा खड़ा होके मुझे घूरता था। आठ बच्चे यही थे। हमने भी बड़े धनिये बेचे हैं, होगा नवाज भाई कहीं बेचे होंगे। अच्छा अगर कोई कुछ बेच रहा होगा तो मैं ही हूंगा फिर। मेरे पीछे ये खड़े होंगे क्योंकि जब भी मैं बेचता था कुछ तो उसके पीछे ये खड़े होते थे। अच्छा मैं तो आपको ये भी नहीं कहूंगा यहाँ बैठो, आप तो मेरे साथ ही एडजस्ट हो सकती है, आइए शेयर कर लेते हैं। इतनी पतली सी हैं, इतनी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ओ माय गॉड, इनकी अभी अभी शादी हुई है। अरे वो पीआर स्टंट था। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो मेरे बारे में गलत खबरें पड़ी आई थी, मुझे पॉजिटिविटी फैलानी थी मैंने। नहीं 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 नहीं, अरे वो लड़की एक्ट्रेस है। पूरे हिंदुस्तान के सामने कपिल जी, कपिल जी विवाह के लिए। ए, पहले वाला करो ना। देखो कपिल जी, कपिल जी आपके विवाह के लिए कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शादी भले हो गई, दिल से मैं वही हूँ। शादी से पहले वाले वही हूँ भाई, और वही रहूंगा, वही रहना। क्या बात कर रहे हो आप। मैंने कहीं खबर सुनी थी आपकी भी शादी हो गई है। अच्छा रेडियो पे सुनी थी, बड़ी किसी ने बड़े अनमोल से मुंह से मुझे ये बात सुनाई थी कि आरजे अनमोल। अच्छा चलो अब तो मामला क्लियर हो गया, मैं भी शादीशुदा आप भी शादी, मिलके फ्लर्ट करते हैं। ना आपको कोई गिल्ट, ना मेरे को कोई गिल्ट। आई वाज जस्ट किडिंग। प्लीज वेलकम अमृता राव। अमृता प्लीज आप यहाँ पे आइए, आइए अमृता। काले अंगूर के गोरे, मैं आपके लिए फ्रूट्स। देखिए बजट की बात होती है, मुगलई तरीके से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे घर पे खाना नहीं खिलाते तो इसीलिए कपिल के शो पे आना पड़ता है। ये अंगूर ऐसे खाते हैं। मैं खिलाऊं? नवाज भाई मैंने देखा है आपने ना हमेशा ना वो वाले किरदार किए हैं जैसे मैं गरीबों वाले, मैं देखना चाहता हूँ। अमृता प्लीज, नवाज भाई मैं चाहता हूँ ना आप महाराजा बन जाइए। अमृता आपको अंगूर खिलाने हैं भाई साहब को, फीलिंग लो नवाज भाई, कितनी स्ट्रगल की है आज, पूरा मजा लो, एंजॉय लो आज। बहुत अमृता, नवाज भाई ने कितने सारे करेक्टर्स किए अलग अलग, पर मार धाड़ वाले, गुंडे वाली के, और पहली बार उनको इतना रोमांटिक सीन दिया आपने, दिल से नहीं किया। अगर मैं आपकी जगह होता ना नवाज भाई तो मैं एक गाना प्ले करूँ। फील नहीं आ रहा था आपका, फील नहीं आ रहा था। आप सामने देखो, मैं पूरा फील दूंगा, मेरे पे मैं तो लड़कों को लड़कियां बना देता हूँ भाई। मेरा मिमिक्री नहीं करने का, बोलती है मैं पहले ही। हाय नवाज जी, हाय, एक मिनट दे रहा हूँ ना। क्या बात है, देखो आजकल की लड़की लोग सिर्फ आवाज उठाती है, मैंने नवाज उठा दिया। एक मिनट नवाज जी आइए ना, कैसे इधर बैठी, इधर हाँ, एक मिनट उठिए ना। ये क्या कर रही है सपना, ये क्या कर रही है? मैंने बोला था ना बड़े बड़े लोग के बीच में मेरा उठना बैठना है। यह मानता ही नहीं है। बैठे इधर, हमारे मेहमानों को तंग नहीं करना। मैं सच्ची में सर आपका बहुत बड़ी फैन है, बहुत फर्टाइल एक्टर है ये। फर्टाइल नहीं, वर्सटाइल एक्टर। लेकिन पाजी हमारे नाले सुपर में तो फर्टाइल ही बोलते। नवाज जी कैसे, क्या लेंगे बताइए, घोड़ा बारूद, बंदूक? बंदूक
ये सब कौन पूछता है? अरे नहीं, इनकी पिक्चर देखी, इनको यही सब लगता है। कट्टा इनके बगैर नहीं चलता, ये कट्टे के बगैर नहीं चलते। नवाज भाई, जब से ना इसका ब्रेकअप हुआ ना मुकेश इसका बॉयफ्रेंड है, तो इसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया है। मेरे को काली फुकन मुकेश के याद दिला दी। आप मुकेश को जानते रहेंगे? मुकेश मेरा बॉयफ्रेंड, आप लोग के पिक्चर जब आते हैं ना थिएटर में, हाँ? उससे पहले उसका आता है, क्या हो गया इस शहर को, हर तरफ धुआं ही धुआं। मैं हूँ 23 साल का मुकेश। उसके साथ मेरा लफड़े था, बहुत टाइम चला उसका मेरा लफड़ा। लेकिन वो मेरा बहुत रिस्पेक्ट करता था, मालूम है? मेरे मुंह के सामने कभी कुछ बोला ही नहीं वो। तो मुंह में गुटखा रहेगा तो कहाँ से बोलेगा वो? एक मिनट, वो लेकिन ऐसे मुंह उठा के भी तो बात कर सकता था ना, लेकिन नहीं किया। नहीं किया वो, नहीं किया। मुंह की जगह अगर ना चप्पल उठा के बात करता तो ज्यादा समझ में आती। चप्पल वो पहनता ही नहीं था। अमृता आप मुंडे लेना, मैं उधर नाला सुपारा की मुंडे ले। हमारा उधर बहुत फैशन शो होता है, नीता नल्ला हमारी डिजाइनर है उधर। अरे मैं जब रेमबो करती है ना उधर, क्या ताली बजते मालूम है उधर नाला सुपारा में, ऐसा करके ऐसा बहुत मजा आता है मालूम है। ऐसे कौन मॉडल चलती है? अरे नाला सुपारा में रोड पे खड्डे बहुत रहते हैं ना, तो हमारा ऐसे ही रहता है सब जगह, हमारे ऐसे ही रहते, समझा? अच्छा नवाज जी, मेरे को आपको बात पूछना था। आप इतना सारा बायोपिक करते हैं, मेरा मुकेश का बायोपिक करो ना। तेरे बॉयफ्रेंड का बायोपिक नहीं बन सकता, उसका टूथपिक बनेगा। मेरे बॉयफ्रेंड पे मत जाना, वो खुद अपने माँ बाप पे नहीं गया, आप क्यों जा रहे हैं उस पे? खैर ये सब बातें नहीं। नवाज जी, मेरे को एक सीरियस मेरे को बात पूछना था। हाँ। नवाज जी, बहुत सारा पिक्चर किया आप, अभी जैसे मैं किक पिक्चर देखी मैं, उसमें आपने सलमान खान को लिया था ना? अरे सलमान खान और नवाज भाई दोनों एक फिल्म में थे। अरे जो गेस्ट है उसकी तारीफ करने का खुश रखो ना, जब सलमान भाई आएंगे कुछ और बोलेंगे हम लोग। ऐसा रखने का ये समझते ही नहीं, 9:30 के बाद कुछ हो जाता है सोनी टीवी पे इसको। अच्छा नहीं, मैं सीरियस बात करती है नवाज जी, किक पिक्चर में इतना अच्छा आपने डिफरेंट विलन का रोल किए, फिर मुन्ना माइकल में आप डांस भी किए, गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी एकदम डिफरेंट रोल था, तो इतना सब आप अलग अलग रोल करते तो 1 करोड़ रुपए दो ना मुझे। ए, तू सबसे पैसे क्यों मांगती रहती है? अरे बहुत पैसे वाले लोग हैं, मैं देखा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीते हैं लोग वैनिटी में बैठ के। अरे तो कुछ नहीं है, अमृता का वैनिटी में तो ड्रैगन फ्रूट भी था, हमने तो ड्रैगन टीवी पे देखा, फ्रूट में पहली बार देखा मैं। बहुत पैसे वाले लोग हैं, ऐसा ही नहीं है। लेकिन सर मेरा इधर सपना ब्यूटी पार्लर मसाज करवाओ ना, आओ ना। अरे तेरे से मसाज कराएंगे? वो तो जाके क्या रोम और इटली पेरिस बैंकॉक में उधर उधर मसाज लेते हैं। रोम इटली पेरिस उधर मसाज लेते तो टांग पेट और पीठ पे नहीं लेते आप? अमृता ये पागल है, इसको बेचारी को जाने दो, इसका गुस्सा नहीं करना। पागल नहीं है, मेरा फिगर और ट्रिगर देखो एकदम परफेक्ट है, क्या पागल है मैं? पागल नहीं है मैं, पागल नहीं बोलनी। ट्रिगर तो देखो, ट्रिगर कहाँ से है? ट्रिगर सपना तेरे को बोला था ना गेस्ट को परेशान नहीं करना, लेकिन मैं एक दिल से एक बात बोलती है मैं, बोलती बोलती। मैं सच्ची में, मैं सच्ची में बता रही हूँ, ये सर ना मतलब अपने खुद के एक्टिंग के दम पे आगे आए ले, जोरदार ताली हो गई। अपन लोग का क्या है, हम लोग तो बाप का दादा का चाचा का बस इसका बदला लेने के लिए आए दुनिया में। मैं सच्ची बोलती हूँ, लेकिन एक चीज याद रखें, जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सर। हाँ। सही है, क्या हुआ? हम भगवान के भरोसे, हो सकता है भगवान हमारे भरोसे मेरे, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना सर। मैं इनका 3 डायलॉग एक ही फ्लो में बोली, 1 करोड़ रुपए दो ना। एक करोड़ तो मुझे भी नहीं मिला था उन फिल्मों में जिनके डायलॉग आप बोल रही हैं। अभी कितना लेते हैं आप? अभी तो लेता हूँ। हाँ तो दो ना, 1 करोड़ रुपए दो ना।
कैश खत्म हो गया आजकल, कैश नहीं चलता। ये मालूम है टीवी पे बोलते, पीछे मिलूंगी फिर देना मेरे को, ठीक है। अच्छा सिक्योरिटी लेके जाओ उसको, जाती नहीं है अपने आप। सिक्योरिटी क्यों, मैं खुद जाएगी, सिक्योरिटी का है मेरे को लेके जाएगी। बाय। सुपर। अमृता सबसे पहले तो ये बताइए कि आप फिल्म ठाकरे में जो है वो कौन सा किरदार निभा रही हैं? आई वुड से मैं बहुत लकी हूँ कि मैं मीना ताई ठाकरे जी का रोल निभा रही हूँ, जो बाला साहेब ठाकरे जी की धर्म पत्नी थी। आई थिंक ये मेरे लिए सिर्फ एक रोल नहीं था, ये एक सम्मान है मेरे लिए। लेकिन बाला साहब जैसी पर्सनैलिटी जिन्होंने पूरे समाज की सेवा की और उनकी पत्नी का किरदार आप निभा रही हैं, सो आपको दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। फिल्म में तो ये मीना ताई जी का किरदार निभा रही हैं, लेकिन रियल लाइफ में इन्होंने जिनसे शादी की है वो बड़े प्यारे इंसान हैं, वो आरजे हैं और आरजे अनमोल उनका नाम है। मेरी तरफ क्या देख रही हैं आप? अच्छा आपको उनको देख के प्यार हुआ था कि रेडियो पे उनकी आवाज सुन के? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि जो भी हुआ गलत हुआ। मेरे को भी तो ये भी लगता है मेरे साथ भी जो हुआ गलत हुआ, पर मैंने जैसे पहले बताया इट वाज अ मूवी, आई वाज प्लेइंग ए कैरेक्टर ऑफ ए दूल्हा और इट बिकम सो पॉपुलर इन डिजिटल कि पेपरों ने छापना शुरू कर दिया, इट वाज ए फिल्म। तो मैंने तो सच मान लिया, और मैं कितना वेट करती आपके लिए। पहले तो आप फिल्में कर रहे हो, दूसरे दूसरे हीरोइंस के साथ फ्लर्ट कर रहे हो जी, ठीक है, और उसके बाद आप शो पे बिजी हो, फिर आप शो से गायब हो जाते हो। हाँ जी। और पता नहीं आप कहाँ पे, फिर लाइफ में वेरिएशन मांगता है, फिर मैं ढूंढती हूँ। अच्छा आरजे जो होते हैं, वैसे ही आपके हस्बैंड से याद आ गया, उनको ना जब अपने रेडियो शोज चलते हैं बहुत सारे लोग फरमाइशें करते हैं उनको अलग अलग कि ये गाना सुना दो, ये गाना, कभी आपने चलते शो में उनको बोला कि आते हुए 200 ग्राम पनीर ले आना? वैसे पनीर 250 ग्राम पनीर वो मुझे बोलेंगे कि मैं आ रहा हूँ घर पे रेडी रखना। हाउ रूड योर हस्बैंड इज। अरे सारे पति ऐसे ही होते हैं, हिंदुस्तानी पति। सच है क्या, सच है क्या? पत्नियां बोलती हैं सारे पति ऐसे होते हैं, पति बोलते हैं सारी पत्नियां जो होती दबंग होती हैं, हम किसको सच माने? प्लेट लगाओ, खाना दो, परोसो, हाथ धो। बड़ी प्यारी है, ऐसी बीवी हो ना आदमी का चेहरा खिला रहता है। नहीं पर गाने की फरमाइश मैंने की थी, वो मेरा फेवरेट गाना था किशोर कुमार का। कौन सा? गुम है किसी के प्यार में। मैं सुना दूं अभी? मतलब ये गाना अगर आपको कोई सुना दे तो आप शादी कर लेती हैं? बायोडाटा पे डिपेंड करता है। बायोडाटा मेरा अच्छा, आई हैव डन पीजी डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स बेब्स। ओके अच्छा मैं सीधे सीधे नवाज भाई, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं? नवाज जी जो है बहुत ही डाउन टू अर्थ है, मैं कोई शक नहीं है, और इतने शर्मीले हैं, इतने शर्मीले हैं, मतलब आप बातें करते थे सेट पे आपके साथ के नहीं? मैं तो कोशिश करता था इनसे बातें करूं। बट आई डोंट नो क्यों ये ज्यादा इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया मेरे अंदर। और मैं यूज्ड टू हो चुका हूं इन सब चीजों का। पहली बार उन्होंने कोशिश की आपसे बात करने की? मैंने की थी। हाँ। एक को एक्टर यही होता है कि यार मैं जाके कंफर्टेबल हूँ ताकि आप कैमरा के सामने है ना। हाँ। नवाज भाई गुड एफर्ट यार, वेरी नाइस। करता रहता हूँ। अच्छा भाई बड़े लोग कहते हैं आप इतने ग्रेट एक्टर हैं, आप एनएसडी से भी हैं, आप इतनी सारी फिल्में की हैं, अच्छा जब कैमरा होता है वो तब तो मुझे ठीक है कि आप कैरेक्टर में हैं, ऑन है, जब अभी बंद है लंच कर रहे हो, सपोज मैं बादशाह अकबर का किरदार कर रहा हूँ तो मैं ऐसे करके बैठ के ऐसी रोटी खाऊंगा कि मैं किरदार में, ऐसे होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़े एक ये बड़ा अजीब सा भ्रम फैला रखा है लोगों ने कि जो अगर आप उस कैरेक्टर में तो 24 आवर उसी में रहते हैं। अच्छा है ना, तो अगर ऐसे तो फिर अगर मैं जैसे गणेश गायतोंडे का रोल कर रहा हूँ और करता करता अपने घर चला जाऊँ तो किसको मारा है किसको मारा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्या क्या रोल किया आपने, बहुत बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया।
पर आप बिलीव नहीं करोगे, सारा पूरा सीजन कितनी देर में देखा होगा मैंने, बताओ कितनी देर में देखा होगा? मैंने एक ही बार में सारा सीजन देखा भाई। नवाज भाई की फैमिली काफी बड़ी, मैंने सुना है नवाज भाई, सुना है आप छह भाई हैं? छह भाई हैं, दो बहनें। अच्छा नवाज भाई, बड़े परिवारों में ऐसा होता है कि जैसे बड़े भाई की शर्ट है वो जब उसको छोटी होगी तो छोटे भाई को उसको छोटी होगी, सबसे लास्ट तक आते थे फट जाती थी वो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ नवाज भाई? हमारे साथ ऐसा होता था कि लाइक जैसे त्योहार व्यवहार कोई आता था तो उसमें थान का थान आता था। अच्छा, तो उसमें सारे एक ही ड्रेस सबके उसी में सिल जाते थे कपड़े। अच्छा, तो मुझे बड़ी शर्म आती जब हम लोग सारे साथ निकलते, सात भाई हैं हम एक्चुअली मुझे इंक्लूड करके, तो बैंड वाले लगते थे हम लोग। तो मैं क्या करता था कि जो मैं थोड़ा सा अपने भाइयों से थोड़ी दूरी बना लेता था। अच्छा, वो छह के छह एक साथ चलते, मैं थोड़ा अलग चलता था उनसे। हाँ, सात भाई एक ही तरह के कपड़े, ऐसा लगता कब्जा लेने जा रहे कहीं। नवाज भाई आपने इतना थिएटर किया है, कभी आपको कोई अतरंगा सा रोल ऑफर हुआ है? एक प्ले किया था मैंने, तो उसमें मैंने पेड़ का रोल किया था। पेड़ का रोल कैसे नवाज भाई? एक्चुअली क्या था कि जंगल का सीन दिखाना था, तो मनोज वाजपेयी उसमें रीच बने हुए थे, भालू। मनोज भाई रीच बने हुए थे? हाँ, और मैं पेड़ बना हुआ था ऐसे। ये कब की बात है? ये 91 की बात है, 92 की बात है ये। अच्छा, तो कुछ ऐसे कुछ बैठते थे हम लोग ऐसे, और ऐसे कुछ कर ऐसे रखते थे, बिल्कुल ऐसे कुछ ऐसे। और रीच कैसे आता? रीच आके यहाँ खो जाता था तो गुदगुद करते थे। नवाज भाई, अमृता आपके यहाँ पे फैंस हैं, कुछ सवाल है नवाज भाई अमृता आपके लिए। जी कौन पहले पूछना चाहता है? जी भाई साहब। हेलो सिद्धू सर, हेलो कपिल सर, मेरा नाम प्रियव्रत पटनायक फ्रॉम ओडिशा। नहीं नहीं, एड्रेस नहीं, नाम क्या है? प्रियव्रत पटनायक। अच्छा जी, पटनायक साहब कहाँ से हैं आप? एक्चुअली मुंबई में जॉब कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर TCS में। और मेरा सवाल नवाजुद्दीन सर से कि मुझे पता है कि आपका बर्थडे और आपका बेटे का बर्थडे एक ही दिन में आता है, तो दैट इज 19th of May। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चे का बर्थडे सेम डे में आएगा, तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? उसके लिए सलाम है यार। उसके लिए तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को मेरे पास रहना पड़ेगा कुछ दिन। तो पूरा प्रोसीजर बताऊंगा मैं कि कैसे आपके बर्थडे पे कैसे पैदा होगा आपका बच्चा। और कोई हमारे दोस्त? जी हेलो कपिल सर, हेलो अमृता मैम, हेलो हेलो सिंधु सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है अमृता मैम से। मैम जैसे आपका अनमोल सर से 6 साल रिलेशन चला इतना अच्छा, एंड देन आपने मैरिड की, जैसे कि मेरी बात है तो मेरा 4-5 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं है, लाइक मुझे कोई ना कोई खामियां नजर आ सकती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको अनमोल सर में कोई खामियां नजर नहीं आई अब तक? खामियां? एग्जैक्टली कोई खामियां नहीं है, वो परफेक्ट है, इसीलिए वो अनमोल है। थैंक यू मैम। दिल जीत लिया आपने मेरा, आप चाहे तो मुझसे भी शादी कर सकती हैं। आप भूल जाते हैं, सॉरी, पहले आप कपिल शर्मा थे, अभी आप कपिल शर्मा हो गए हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में कोई और आएंगी, मैं उनसे कर लूंगा। अपने को मांगता है। ऐसे फ्लड मांगता है क्यों नवाज भाई? हाँ, पहना दो मुझे सर से लेके पांव तक जंजीरें। ये क्या हो गया तुझे, ठीक ठाक है? पहना दो मुझे सर से लेके पांव तक जंजीरें। वाह, आज आई है अपने खानदानी कपड़ों में। ये खानदानी कपड़े नहीं है, ये वो मैं अपने नेक्स्ट रोल के ऑडिशन की रिहर्सल कर रही हूँ पाजी। ओहो, वो क्या है ना, नवाज सर और अमृता आए हैं तो मुझे लगा मैं उनको दिखा दूँ अपनी रिहर्सल। ये देखो, एक तरफ अमृता राव, एक तरफ भजिया पाव। एक तरफ नवाज, दूसरी तरफ दगाबाज। वाह सर, मैंने आपकी फिल्म ठाकरे का ट्रेलर देखा और उसका जो डायलॉग है कि भीख मांगने से अच्छा है अपना हक छीन लो। आहा।
इसका भी सेम ही है नवाज भाई, हैं? भीख भी मांग लो, हक भी छीन लो और फिर भाग जाओ। जेल से कैसे आना हुआ? एक्सक्यूज मी, मैं जेल से नहीं आई हूँ, ओके? मैं अपने नेक्स्ट रोल की तैयारी कर रही हूँ। मुझे एक बायोपिक ऑफर हुई है। कौन सी बायोपिक? तेरे साथ कोई सेल्फी पिक नहीं लेता तू? बायोपिक कौन सी बायोपिक ऑफर हुई है? मेरी खुद की दादी की। पाजी क्या स्टोरी है, मैं क्या बताऊँ क्या स्टोरी है। और कैरेक्टर, उसका जो ग्राफ है, उसका जो डेप्थ है। डेप्थ बता, मैं तेरे को बताऊँ इसकी दादी की? इसकी दादी चोर थी, इसकी दादी और क्या। ये डेप्थ जिसको बोल रही है ना, मतलब जितनी मर्जी डेप्थ हो वो कूद जाती थी। दादा भी इसका चोरी किया हुआ था इसकी दादी ने, पता है? और बेचारे को थोड़ा कम दिखाई देता था, वो कहता सड़क पार करा दो, सड़क पार करा के घर ले गई। उसके बाद दादा के साथ सारी हदें पार कर गई इसकी दादी। सोचो, जिसकी दादी ने सारी हदें पार कर दी, उनकी पोती क्या क्या कर सकती। तो देखा आपने, जो बच्चे आपसी सहमति से नहीं होते वो आगे जाकर ऐसी बातें करते हैं। जाए तू एक काम कर, तू ना प्रोटीन अपना बढ़ा और ककड़ी खाया कर, अकल आएगी तेरे दिमाग में ना। देखो, जितनी अकल चाहिए उस हिसाब से तो बहुत है। After all, I belong to a very nice family. भाई ये फैमिली की बात करते हैं। आजा आजा। भाई आपको पता है वो ट्रेन में जो लोटे नहीं बंधे होते चेन के साथ, वो पहले खुले होते थे, इनकी फैमिली की वजह से उन्होंने बांधने शुरू किए। ये आपको इसका टैलेंट नहीं पता नवाज भाई, ये पान की दुकान के निकल रही ना सामने से, कोई आदमी अगर खड़ा सिगरेट पी रहा है ऐसे करके खींच लेती है ये, ऐसा वैक्यूम वाला मुंह है इसका। नहीं नहीं पाजी, जो मैं नहीं करती हूँ वो इसको दिखता है, तो जो मैं करती हूँ वो क्यों नहीं देखते हो? आओ कभी मेरा प्ले देखो, पता कितना हिट प्ले है मेरा। बड़े हिट प्ले होते हैं। आपको पता है पिछले महीने एक प्ले किया आजादी के ऊपर था। अच्छा, पहला प्ले जिसमें अंग्रेजों ने इसको देख के खुद कहा भारत छोड़ो भारत छोड़ो। इसने रखे हुए पत्थर के ना, तो ऐसे उंगली में फंसा के पता नहीं क्या करती है। अच्छा, दादर स्टेशन पे जितने पंटर लोग सो रहे होते सब इसके जानकार है। What rubbish, यहाँ पे बोलती है, उधर इसकी आवाज सुनना है। ए चिंटे, सुनता है क्या तू? ओपके में लेके जाके बताऊं तेरे को क्या? 00 चूना और कमाम का पान लगा के लेके, ऐसे बातें करती है ये। पान बहुत खा लिया कप्पू, अब ना किसी दिन चूना लगेगा, वो भी तुमको, फ्रॉम भूरी। और जा, दरवाजे की चटनी तरह से लगती नहीं है, चूना तू लगाएगी मेरे को। देखो, जिस दिन दरवाजा बंद करने की नौबत आ गई ना, छिटकी नहीं लग जाएगी अपने आप। जा बेटे, कुंडी जैसा मुंह छिटकने की बातें नहीं करते। कुंडी ना खरका राजा सीधा अंदर राजा। नवाज भाई, गैंग ऑफ वासेपुर में आपने कितनी गोलियां चलाई हैं? एक आध कोई बची होगी, हाथ से मारो। नहीं नहीं, मुझे जो सीख रहा मैं सीख लूंगी। सर, आपका एक डायलॉग है जो मेरा सबसे सबसे ज्यादा फेवरेट है। 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ और मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूँ। ये भी रोक लेती है 15 मिनट सांस। 15 मिनट ये रियल में रोकती, सड़क पर ना सांस रोक के लेट जाती, फिर लोग जूस पी लाते हैं। और फिर रात को डिनर का टाइम आता है, सेम मांगता है। चल अब दिखा ना अपना टैलेंट, तो दिखा आई उनको मिलने आई तो। वो तो जब वक्त आएगा मैं टैलेंट दिखाई दूंगी, लेकिन पाजी किसी ने खूब कहा है, क्या खेल ताश का हो या जिंदगी का, वाह अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। क्या बात है यार, छा गई गुड़ी यार, क्या बात। सीधा बोल, तेरा पत्ता ही खेलने का मन कर रहा है, निकाल गड्डी निकाल। कप्पू, ये बैठती है ऑटो वाले के साथ ऐसे, अच्छा यहाँ पे अच्छा भला आती है। हाय, हाउ आर यू? ए निकालना तेरा बादशाह, निकाल तेरा इक्का। ये मैं बताऊंगा सारी बातें। कप्पू क्या है, बाजार में सारे खिलौने बिक गए जब हमारे दिल से खेलने लगे हो? आज बड़ी टूटे दिल वाली बातें कर रही है, तो क्या हो गया तेरे को? अब क्या कहूँ, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। क्या? किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा, यकीन नहीं होता तो चाय में डूबे बिस्किट से पूछ लो। एक विशेष सूचना, एक बच्ची किसी शायर की किताब चोरी करके भागी है, जिसकी भी हो ले जाए। कप्पू भैया, कप्पू भैया, अरे कप्पू भैया,
ये चूहे की मौसी यहाँ पर है। क्या बोली? आपको पता है कप्पू भैया, ये वो मुकेश की शायरी की किताब लेकर भागी है ये। ए, मैं तो मुकेश को जानती भी नहीं हूँ। जानती भी नहीं। सारा दिन मुकेश के साथ चिल्लम फूक फूक के फैजल के कट्टे जैसा मुंह हो गया इसका। बात करती है क्यों फैजल, बताओ ना। कप्पू तुम अपनी बहन को समझाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा क्यों, तेरे को अभी भी डाउट है तेरे पे? तेरे को मालूम है नवाज भाई तेरे से बड़ा कारतूस बंदूक में डाल के फोड़ते है ऐसा। बात कर रही है कप्पू, मैं ना भूल जाऊंगी तुम्हारी बहन है। अच्छा वैसे भी तू भूलती है, मेरे पे काहे को नाम डाल रही है यहाँ पे। ध्यान रखना, हट यहाँ से बाजू में। अगर मेरे कप्पू पे नजर डाली ना तूने तो मैं तेरे से 100 रुपया लूंगी। अपना तो भाई के पैसे लगी। अच्छा यहाँ पर आपके स्पॉन्सर पे स्पॉन्सर बढ़े जा रहे हैं दिन ब दिन, करोड़ों कमा रहे हो, 2 रुपया कमाऊं तो तकलीफ है आपको। बहुत अच्छा। क्या क्या देख रही इधर? चूहे की मौसी। चूहे की मौसी किसको बोलती है रे? ए जल कुकड़ी, ज्यादा बकवास नहीं कर। ए तू जल कुकड़ी। लपड़ झट्टी। ए लड़की रही है वो नवाज भाई को टैलेंट दिखाना जो अपना अंदर दिखा रही थी टैलेंट मेरे को। क्या, कौन वो जो किक में हंसी हंसी हंसते थे वो? इसको ज्यादा मैं सिखाई है आपने तो स्टेशन पे जाके मैं पागल हो गई बोलेगी, सबसे पैसा मांगेगी, मैं जानती है इसको। चल चूहे की मौसी यहाँ, चल चल ले जाओ उसको। हाँ और चलवा लो। एक बार नवाज भाई और अमृता के लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। भाई आइए अमृता। नवाज भाई, अमृता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया आप लोगों से बातें करके, आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि अच्छे दिन अब वाकई ही आएंगे क्योंकि कपिल शर्मा वापस आ गए हैं। थैंक यू अमृता, थैंक यू सो मच अमृता फॉर योर लव। और हमें पूरा यकीन है कि ये फिल्म जो है वो बहुत ही प्यार लेने वाली है दर्शकों का, बिकॉज लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। गुड नाइट चबक है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।